जसियल जी, आप सबसे पहले तो आज हमारे बाबूलाल जी का बर्थडे है, तो बाबूलाल जी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बाबूलाल जी को। और दोस्तों, डीसीएम का एक शानदार प्रोग्राम चल रहा है, एक टॉपिक एक टेस्ट, एक टॉपिक एक टेस्ट। आज बाबूलाल जी अपना 9वां टेस्ट यानी तीसरा टेस्ट हो रहा है। तो बच्चों, डेली टेस्ट होता है, तो फिर सुन लो रहे, डेली टेस्ट होता है, 6 बजे पेपर पीडीएफ आती है, 6 बजे वीडियो सॉल्यूशन आता है, 9 बजे रैंक आती है, और 10 बजे आती है आपके पास मेडल सेरेमनी। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, 12 से 13 घंटे पढ़ाई करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करें और सीकर की तरफ आ जाएं, क्योंकि वैसे 15 जुलाई के बाद सरकार का परमिशन भी दे रही है। आपके परिवार में अन्य कोई बच्चे भी हो दोस्तों 2022 के लिए, तो भैया एडमिशन चल रहे हैं और बाकायदा ऑफलाइन क्लासेस अतिशीघ्र 15 तारीख से सरकार शुरू करने की परमिशन दे रही है। मार्क्स लाओ, बढ़िया लाओ, अच्छे लाओ। और जो बच्चे सीकर रहते हैं उनसे निवेदन है कि वो भैया सुबह 9 से 10 मिलते रहो, आप मुझसे मिलते रहोगे, आपका नाम मेरी जुबान पे आ जाएगा, फिर कभी आपकी रैंक खराब आएगी ना तो आपको मैं टोक दूंगा मेडल सेरेमनी में। मैं तभी टोक पाऊंगा भैया जब आप मुझसे मिल के जाओगे, नहीं तो वहां बहुत राहुल होते हैं, बहुत रमेश होते हैं, बहुत अनिता होते हैं, पता नहीं कौन रमेश कौन अनिता है। ठीक है, आज अपन 9वां पेपर का करेंगे डिस्कस। तो एक बार फिर से बाबूलाल जी का हैप्पी बर्थडे, और बहुत बढ़िया सा करें आप, थैंक यू। हाँ, तो देखिए बेटा जी, बिल्कुल बोस ने आपको जो बताया, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मिलते रहें, और बायोलॉजी के अंदर जो आपको मार्क्स लेने हैं तो एनसीईआरटी की थ्योरी को बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी की थ्योरी की लाइन टू लाइन से, समरी से, एनसीईआरटी क्यूआर कोड क्वेश्चन से, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप साथ साथ सोल्व करें, और बायो में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थ्योरी की कमियों को दूर करते हुए जो डेली के टेस्ट हैं इनमें आप फिर टेस्ट पे जाएं और सॉल्यूशन देखें, और उसके पश्चात जो संडे का मेजर होता है, रियल टेस्ट वो होता है, उस संडे के मेजर में अगर आपके 540, 500 मार्क्स भी हैं, अच्छे हैं, बस आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है। हम बिल्कुल आज में बिल्कुल ईश्वर से ये दुआ भी करता हूँ, और बिल्कुल एक चीज़ मांगता हूँ कि मेरे सारे जो बच्चे हैं और सारे जो सीएलसीएन हैं, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से ये सीएलसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब सक्सेस पे जाएं, 2021 में एक बेस्ट रैंक पे जाएं। तो आइए बेटा जी, अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए राजा बेटा, रानी बेटी, अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनना है। ये दिया गया क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पे है। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर भी बता देता हूँ, ताकि आप सीधे उन लाइन्स पे अटैक कर सकें, और एग्जाम में बिल्कुल एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें आती हैं, और आपको बिल्कुल एनसीईआरटी को कंसंट्रेट होके पढ़ना है। यस मेरे राजा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, मेटाबोलिज्म इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन ओनली। भाई, उपापचय में केवल निर्माण कार्य विक्रियाएं सम्मिलित होती है, ऐसा नहीं है। केवल वर्ड यहां पर आ गया, ओनली आ गया, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मेटाबॉलिज्म इवन ए लिविंग सेल और ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप समझ सकते हो कि एक जीवित कोशिका हो, इंडिविजुअल सेल या ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी में या सेल में जो 1000 केमिकल रिएक्शन होती हैं, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज मेटाबॉलिज्म, इट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड ए सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक होती है, दोनों ही इंक्लूड होती हैं। क्लियर, ये नहीं हो सकता। एनाबॉलिक रिएक्शन आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, अपचय अभिक्रियाएं प्रकृति में विघटनकारी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनाबॉलिज्म तो कंस्ट्रक्टिव है। एनाबॉलिज्म का मतलब तो होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होता है। ठीक है, 6CO2 6H2O ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो एनाबॉलिज्म है। फिर है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, कि अपचय अभिक्रियाएं प्रकृति में निर्माणकारी होती है, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कैटाबॉलिज्म का मीन होता है ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन इन CO2 एंड H2O, तो वहां ब्रेकडाउन है, वहां विघटन है, वहां टूटना है। यस, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है, जबकि आपको अपोजिट कर दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए फोर्थ ऑप्शन पे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, उपापचय अभिक्रियाओं को कोशिका मुक्त तंत्र में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 4 की सीधी लाइन है। ठीक है भाई, आप समझ सकते हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को आउटसाइड बॉडी सेल फ्री सिस्टम में भी, या इवन अपन बात करें कि एक टेस्ट ट्यूब में भी, अपन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या एंजाइम की प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन कर सकते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि वो लिविंग नेक्स को शो नहीं करेगा। और हाँ, अगर अपनी बॉडी से भी अपन एक सेल को आइसोलेट कर लें और फिर लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में अपन लें,
तो वो सिस्टम लिविंग नहीं है, लेकिन जो इनसाइड जो रिएक्शंस होगी सेल के इनसाइड, श्योरली लिविंग, वास्तव में वो लिविंग है। इसलिए अपन कहते हैं कि अगर आप सेल फ्री सिस्टम की बात करें तब तो वो रिएक्शन को ओनली आप शो कर सकते हो, बट आप सेल को आइसोलेट कर लो तो फिर आप जानते हो कि उनको आप नाइदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग, ऐसा कहेंगे आप। तो ये सीधा स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी 4, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, वर्दी जीवित जीवों का परिभाषिक गुण नहीं है क्योंकि। बेटा आप अच्छे से जानते हैं कि ग्रोथ फंडामेंटल कैरेक्टर है, सभी सजीवों का आधारभूत लक्षण है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, आप समझ सकते हैं कि सभी जीवित जीव वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग, ये डिफाइनिंग नहीं है क्योंकि ग्रोथ के दो करेक्टर है, ट्विन करेक्टर, इंक्रीमेंट इन सेल नंबर वाया डिवीजन यानी विभाजन के द्वारा कोशिका संख्या में बढ़ोतरी, और इंक्रीमेंट इन बायोमास तो जैव भार में बढ़ोतरी, फ्रॉम इनर साइड ओनली लिविंग बट आउटसाइड एक्युमुलेशन, जो बाह्य सतह पर जमाव के द्वारा बढ़ोतरी शो करते हैं वो नॉन लिविंग भी कर सकते हैं। इसलिए आप समझ सकते हो कि वृद्धि आधारभूत है, फंडामेंटल है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्लियर, आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग अपन जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये तो नहीं हो सकता, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये भी नहीं हो सकता, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो ग्रोथ। इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा कि सभी जीवित तो वृद्धि प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ निर्जीव वस्तुएं जो होती है नॉन लिविंग होते हैं वो अपने सरफेस पे आउटसाइड पे एक्युमुलेशन द्वारा, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल के द्वारा वो ग्रोथ या इंक्रीमेंट इन वेट शो कर सकते हैं। इंक्रीमेंट वेट को आप ग्रोथ कंसिडर्ड करते हैं तो फिर नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर सकते हैं, इसलिए वो डिफाइनिंग नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड, और फोर्थ इसलिए नहीं हो सकता, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, लिविंग तो शो करते ही करते हैं। तो जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो भी आप समझ सकते हो कि पेज नंबर 4 जो एनसीईआरटी का है वहीं पर आपको दिया गया है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से, ये जो लिविंग के कैरेक्टर से कैरेक्टर हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ध्यान दे लीजिएगा, ग्रोथ सब शो करते हैं बट डिफाइनिंग नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग हो सकता था लेकिन रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म शो नहीं करते क्योंकि कुछ इनफर्टाइल और स्टराइल होते हैं, और आप समझ सकते हैं मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल ऑर्गेनाइजेशन तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, क्लियर बेटू। तो बिल्कुल आप क्यूट रहें, मस्त रहें, बिल्कुल एकदम चीरफुल रहें, खुश रहें, और मेरे राजा बेटा रानी बेटी बिल्कुल आप लगे रहें थ्योरी की एक एक लाइन पे, एनसीईआरटी इंग्लिश क्यूआर कोड और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम, निम्नलिखित में से किस एक में वृद्धि तथा जनन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक उसकी सजीव, उनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवाइड होती है तो एक इंडिविजुअल से दो ऑफस्प्रिंग आपकी डेवलप होती हैं, क्लियर है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट मल्टीसेलुलर में दोनों डिफरेंट टर्म है, तो मल्टीसेलुलर के लिए स्टेटमेंट होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्योंकि एकोस के जीवों में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव है, समावेशी है, सिनोनिम टू ईच अदर, पर्यायवाची है, लेकिन मल्टीसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, यस। तो आप यहां देख लीजिए इस ग्रुप में बैक्टीरिया हो जाएगा बट प्लेनेरिया नहीं होगा, ये मल्टीसेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, फंजाई या ह्यूमन है नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फंजाई ह्यूमन प्लेनेरिया ये तो सारे मल्टीसेलुलर है, बिल्कुल ही नहीं होगा, अमीभा यूनिसेलुलर यूकेरोट बैक्टीरिया प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ही होते हैं, और यूनिसेलुलर एल्गी जस्ट लाइक क्लेमाइडोमोनास, तो आंसर विल बी 4,
इट मीन एक कोश के जीव में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, तो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, सिनोनिम है। क्लियर मेरे बेटू? नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज वर्तमान भूत तथा भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों भाई? आप देख लीजिएगा, वायरस के बाद में जो भी लिविंग सेल अर्थ पे एग्जिस्टेंस में आई, इट मीन आप जानते हैं इंडिविजुअल सेल जो कंप्लीट स्ट्रक्चर वाली थी, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और प्रोटीन मशीनरी, इट मीन डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। तो अर्थ के ऊपर हर लिविंग सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। फिर प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट का ओरिजिन हुआ। यूकैरियोट सिंपलर यूकैरियोट से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आए, बट आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और वो आप समझ सकते हैं मेरे बेटा राजा बेटा कि जनरेशन टू जनरेशन उसका ट्रांसफर हुआ, बस कुछ वेरिंग डिग्री, कुछ म्यूटेशंस या कुछ चेंजेस जरूर आए, बट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपके सामने है, दे डू नॉट हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू सिमिलर लेंथ, रॉन्ग हो जाएगा। दे हैव शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ये बिल्कुल सही है। ये समान आनुवंशिक पदार्थ का साझा करते हैं और ये पदार्थ विविध अंशों में होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और जो एनसीईआरटी के पेज नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने यहाँ पर आपके सामने बात करें तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 5 है उसमें वहाँ नीचे दे रखा है, और आपको अच्छे से बेटा ये सारे कैरेक्टर से कैरेक्टर देने के बाद ये सारी बातें आपको दे रखी है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले मैं आपके सामने अभी शो कर चुका हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी आप जानते हैं परस्पर अनन्य, मतलब सिनोनिम नहीं है। क्लियर? अलग अलग है, डिफरेंट टर्म है। किसके लिए? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब यहां पर अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर, तो ये नहीं हो सकता। अर्थवर्म क्या है? मल्टीसेलुलर, ये हो सकता है। ईस्ट यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर नहीं हो सकता। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा चुका हूं ना, और मैंने क्वेश्चन भी ऐसे लिए बेटा एनसीईआरटी सीक्वेंस में ताकि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। इट मीन्स उत्तक की विशेषताएं संगठित कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती, परंतु संगठित कोशिकाओं के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसका क्या अर्थ है? देखिए मेरे बेटू बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को, जनरली ऑफलाइन में भी जब बच्चे होते हैं तो अक्सर इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लेकर आते हैं। क्लियर? जबकि बहुत सिंपल है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो भी न्यू प्रॉपर्टी या कॉम्प्लेक्सिटी अमर्ज हुई है, उद्भवन हुआ है, वो सारा खेल किसका है? इंट्रैक्शन का, पारस्परिक अनुक्रियाओं का है। ठीक है ना? आप किसी भी सब्जेक्ट में जाए, आप किसी भी हायरार्की लेवल पे जाएं, चाहे आप इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करते हैं, तो वहां पर भी आप जानते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से इंट्रैक्शन होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन में इंट्रैक्शन होती है तो बायोटिक कम्युनिटी, और बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन होती है तो नेचर की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बनती है, दैट इज इकोसिस्टम। वैसे आप समझ सकते हो अपनी बॉडी के अंदर भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हो कि जैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अर्थ पे फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ, इवन बहुत प्रिमिटिव सेल थी, फिर यूकैरियोट सेल का ओरिजिन हुआ, फिर सेल ने नंबर बढ़ाया, फिर सेल ऑर्गेनाइज्ड हुई। तो सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हुई सिमरा, ये सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हुई तो क्या फॉर्म हुआ? टिश्यू। क्लियर? अब आप जानते हो जब ये सेल ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी तो इन सेल के जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके अंदर इंट्रैक्शन हुई, तो कुछ न्यू प्रॉपर्टी एमर्ज हुई, यानी टिश्यू में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो सेल्स में नहीं है, बल्कि सेल्स ने मिलके ही, तो इन सेल ने मिलके ही तो फॉर्म किया टिश्यू, बट उनमें ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस टिश्यू को बनाने वाली सेल में नहीं है। ऐसे फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई टिश्यू से ऑर्गन, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से क्या फॉर्म हुआ? ऑर्गन, फिर इंट्रैक्शन, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? तो देखिएगा आप बहुत अच्छे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑल टिश्यू हैव आइडेंटिकल फंक्शनल प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत है। सभी उत्तक समरूप कार्यात्मक विशेषताएं हो ही नहीं सकती, वरना तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू एनिमल में क्यों होते? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, भाई जो उनकी पोजीशन थी और फंक्शन था तभी तो डिफरेंट हुए ना। फिर आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज आर एब्सेंट इन सेल, कोशिकाओं में विशेषता अनुपस्थित होती, कोई मीन ही नहीं है। इंट्रैक्शन डू नॉट अकर एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उच्चतर स्तर पर अंतर्क्रिया नहीं होती है, होती है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, तो इंट्रैक्शन का तो रिजल्ट है। क्लियर? फिर देखा ऑल लिविंग
फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस। सभी सजीव परिघटनाएं अंतर्निहित अंतर्क्रियाओं के कारण ही हैं। जो भी अर्थ के ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी आई है, जो भी अर्थ के ऊपर न्यू प्रॉपर्टी अमर्ज हुई है, वो सारा खेल क्या है बेटा, अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस, एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बहुत आपके सामने इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के उसी पेज पे, यानी जहां मेटाबॉलिज्म के बाद कॉन्शियसनेस और उसके बाद आप नीचे की लाइंस पढ़ते हैं, और ये पैराग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे बेटू, क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, हावड़ा वेस्ट बंगाल, और ये बिल्कुल हावड़ा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कलकत्ता हावड़ा के अंदर, आप समझ सकते हैं कि ये है। बेंगलोर कर्नाटका नहीं होगा, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल नहीं होगा, आंसर विल बी सेकंड। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ लीवरबर्ट एंड रेप्टाइल्स रेस्पेक्टिवली स्टैंडर्डाइज्ड बाय, लीवरबर्ट तथा सरीसृप के वैज्ञानिक नाम को क्रमशः प्रमाणित किया जाता है। आप भी समझ सकते हैं प्लांट का बोटनिकल नेम देने के लिए जो इंटरनेशनल कोड असाइन हुआ, इंटरनेशनल कोड अंतर्राष्ट्रीय कोड ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल के लिए आप समझ सकते हो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ICBN और ICZN, इट मीन क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, गलत मिलान वाले युग्म को पहचानी, इनकरेक्ट पेयर को पहचानी, आप समझ रहे हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसिन स्टार्च सही है, क्योंकि BGA का जो स्टोर फूड होता है ना, वो साइनोफाइसिन स्टार्च ही है, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की तरह ब्रांच्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? और डायनोफ्लेजलेट्स स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट करेक्ट है। डायटम लेमिनेरियन नहीं होता है, क्राइसोलेमिनेरियन होता है। ये लेमिनेरियन तो ब्राउन एल्गी का फूड है, तो ये रॉन्ग है, आप समझ रहे हैं। और युगलिना पैरामाइलम आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्टली मैच पूछा है, तो थर्ड आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, ये इनकरेक्टली मैच है, बाकी सारे क्या है, करेक्ट मैच है। युगलिना पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट उसका स्टोर फूड होता है। आप देखिए मेरे राजा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट साइंटिफिक नेम, द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा सही वैज्ञानिक नाम है। आपको अच्छे से पता है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की एक्चुअल डिस्कवरी, और आप समझ सकते हैं उसके जो फाउंडर हैं कैरोलस लिनियस हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मीन होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, एक ही बात है, जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम दो पदों से मिलकर बना होता है। वन इज जेनेरिक नेम, आप समझ सकते हैं, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर, नाउन और एडजेक्टिव। उसका फर्स्ट लेटर अपन कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर अपन स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और फिर जो ऑथर होता है उसको एब्रिवेटेड फॉर्म में अपन लिखते हैं। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि नीट एग्जाम में 2017 के आसपास ये क्वेश्चन भी था। देखिएगा मेंजीफेरा इंडिका ये अलग हो गया, फिर मेंजीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ मोर करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, जिसमें आप जानते हैं कि इटैलिक में भी है, और ये ऑथर का नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट अपन लेते हैं, और आप समझ सकते हैं क्वेश्चन NCERT के पेज नंबर 7 पे है, अच्छे से पेज नंबर 7 पे। और नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए इन व्हिटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकेरोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, तो व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण, यानी व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, आप समझ सकते हैं NCERT का जो पेज नंबर 17 है, तो ये सबसे रिसेंट और एडवांस क्लासिफिकेशन था, सबसे आधुनिक था, सबसे एडवांस था। आप जानते हो कि व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो बेसिस था टाइप ऑफ सेल, तो अच्छे से आप जानते हैं मेरे राजा बेटा रानी बेटी की, आप जानते हैं यहाँ ये मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और यहाँ जो फर्स्ट बेसिस था टाइप ऑफ सेल ही था, और टाइप ऑफ सेल था तो यहाँ प्रोकैरियोट, और रिमेनिंग 4 किंगडम क्या है, यूकेरोट, फिर प्रोटिस्टा मिडिल किंगडम, और इससे ही आपके ओरिजिनेट हुए मल्टीसेलर, यहीं से आए मल्टीसेलर। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटिस्टा एक लिंक है, एट वन हैंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, एट अदर हैंड मल्टीसेलर यूकेरियोट्स फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। क्लियर है? तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 किंगडम। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा, इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही है। आप समझ सकते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर माइकोप्लाज्मा आपको दे रखा है,
तो माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग कौन सा आपका क्वेश्चन या स्टेटमेंट करेक्ट है? दे हैव सेल वॉल, गलत, क्योंकि आप समझ सकते हो माइकोप्लाज्मा आर सेल वॉललेस, कोशिका भित्ति रहित, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी जीवित कोशिका, सिंपलेस्ट सबसे सरलतम प्रोकैरियोट्स हैं। क्लियर, ये लो जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा किंगडम में सब मेंबर में, ईच और एवरी मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा हैव सेल वॉल, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकन की नहीं डिफर है, बट सारे बैक्टीरिया में पेप्टोग्लाइकन की है। क्लियर, लेकिन आप समझ सकते हैं अच्छे से कि मोनेरा के अंदर एक ही ग्रुप है माइकोप्लाज्मा जहाँ सेल वॉल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं रॉन्ग हो गया। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बिल्कुल सही है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं दे आर फैकल्टेटिव एनारब्स, आप समझ सकते हैं कि वो विकल्पी अवायु है, जनरली एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, सामान्यतः वायु भी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं भी हो तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि ये भी रॉन्ग हो गया। और दे आर नॉन पैथोजेनिक, ये तो गलत बात है, माइकोप्लाज्मा तो पैथोजेनिक होते हैं कुछ में। क्लियर, तो आप समझ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, गिवन फिगर ऑफ द फिलामेंटस बीजीए दैट इज नॉस्टॉक, आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड एज ए एंड बी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप अच्छे जानते हैं एनसीईआरटी का सीधा आपके सामने ये एनसीईआरटी का ही पेज नंबर 19 के ऊपर जो डायग्राम दे रखा है नोस्टॉक एनाबिना का कॉलोनियल बीजी है, और कॉलोनियल बीजी आप समझ सकते हैं जो सेल्स होती है ना, वो सेल्स आपस में जो एडजॉइन होती है वो म्यूशिलेज से ही होती है, म्यूशिलेज कवरिंग, ये ऐसे म्यूशिलेज कवरिंग होती है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स होती हैं, बीच बीच में कुछ सेल्स थिक वॉल्ड हो जाती हैं जिनको आप हेट्रोसिस्ट कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं ये हेट्रोसिस्ट, तो यहाँ देखिएगा कि ये तो हेट्रोसिस्ट है ए, ये भी हेट्रोसिस्ट है, और ये बी, यहाँ म्यूसिलेजनस सीथ है, तो इसके अकॉर्डिंग सीधा आपका आंसर फर्स्ट ही होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज, जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है, तो आप जानते हो जब अनुकूल परिस्थिति हो, फेवरेबल कंडीशन हो, इन फेवरेबल कंडीशन, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, स्पेस हो, और आप ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, तो आप समझ सकते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया बहुत फास्ट रैपिड डिवीजन करता है, एमाइटोटिक डिवीजन करता है, और एमाइटोसिस के थ्रू वो आप समझ सकते हैं कि प्रोजेनी फॉर्म करता है, तो बाइनरी फ्यूजन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, सीधा एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 20 एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे ही है। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड बीजीए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया, पांच जगत वर्गीकरण अवस्था में वह जगत कौन सा जिसमें नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु और मेथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शो करता है वो किसमें इंक्लूड होता है, मोनेरा में। वह देखिएगा मोनेरा किंगडम में इंक्लूड होते हैं आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब आप जानते हैं कि यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, फर्दर बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा और साइनोबैक्टीरिया, उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, किंगडम मोनेरा में। इट मीन अर्थ के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाएगी, प्रोकैरियोटिक संगठन का मीन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप का एब्सेंस, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज का भी एब्सेंस, ठीक है ना, 70S राइबोसोम, ये सब, तो आप समझ सकते हैं किसमें आएगा, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, ए स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप सो फॉलोइंग फीचर्स, यूनिसेलुलरिटी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बाइफ्लेजेट, वन फ्लेजिला लाइंग लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर इज ट्रांसवर्सली। आप समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी है, एक रिसर्च साइंटिस्ट है, माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड को रखता है, तो कुछ ऐसे फीचर्स वो देखता है कि एक उसकी यूक्रेटिक संगठन है, दो फ्लेजिला है, बट एक अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, सिंगुलनम और सल्कस में, ठीक है, और सल्लोज स्टिप, सल्लोजिक वाल है, सल्लोज की कड़ी पट्टिकाओं की जो सलवाल बनी हुई है, सारे करेक्टर वो देखता है, तो वो किस पे जाएगा भाई, प्रोटिस्टन तो है वो, ठीक है, बैक्टीरियम
क्लेमाइडोमोनास डायनोफ्लेजलेट, लेकिन प्रोटिस्टन में वो प्रोटिस्ट है, दो फ्लेजिला वाला प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट विथ टू फ्लेजिला, तो आप समझ सकते हैं कि डायनोफ्लेजलेट्स आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपॉन, आप जानते हैं कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति किस पे आधारित है, तो वेजिटेटिव करेक्टर पे है, एंड्रोसिम स्ट्रक्चर पे है, हैबिटेट हैबिटेंट हैबिटेट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। देखो बेटा, वर्दी लक्षणों पे मेनली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एक या दो आकार के लक्षणों पर आधारित है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, बट आप समझ सकते हैं कि उसमें मेनली वेजिटेटिव करेक्टर को लिया गया, लेकिन वहाँ वेजिटेटिव और कुछ सेक्सुअल करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, जो आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिख रखा है, और आप अच्छे से जानते हैं कि ये कहाँ लिख रखा है, जो आपका चैप्टर थर्ड है उसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट में एनसीईआरटी में लिख रखा है अच्छे से, और आप अच्छे से जानते हैं कि फिर लीनियस ने पुमंग संरचना को भी यूज किया था, लैंगिक लक्षणों को भी यूज किया था, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फोर आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन सिस्टम वर बेस्ड ऑन यूनिवर्सरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की पद्धति विभिन्न प्राणियों के मध्य विकास या संबंधों पर आधारित है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाता हूँ। जनरली देखिएगा, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या ह्यूमन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था, बट उसका कोई मीन नहीं था। फिर आपका जो क्लासिफिकेशन आया आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, केवल एक या दो आकार के लक्षणों पर आधारित था। अब आप जानते हो केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ओनली मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखा, वो भी ओनली वन और टू, नॉट ग्रोस मॉर्फोलॉजी, संपूर्ण आकार को ध्यान में नहीं रखा गया, और इंटरनल करेक्टर को तो यहाँ बिल्कुल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देखा ही नहीं गया, तो फिर यहाँ ग्रुपिंग तो की गई, बट आप जानते हो कि इसकी डिमेरिट क्या हुई, कमी क्या हुई, कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म केप्ट इन ए सिमिलर ग्रुप, तो वहाँ आप जानते हैं कि असंबंधित जीव एक समूह में आ गए, एक ग्रुप में आ गए, तो ये सही से ग्रुपिंग नहीं हुई, आर्टिफिशियल की डिमेरिट थी। फिर आप जानते हो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल प्राकृतिक, और नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोस मॉर्फोलॉजी, संपूर्ण आकार के लक्षणों और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमिकल करेक्टर पे बेस था, और आप जानते हैं कि नेचुरल एफिनिटीज पे बेस था, प्राकृतिक संबंधों पे। बेंथम हुकर ने फर्स्ट टाइम इसको सजेस्टेड किया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, तो नेचुरल बढ़िया था। अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक का मीन होता है कि जहाँ इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स को, जातिवर्ती विकास क्रम को ध्यान में रखा गया, कर्मिक उद्विकास को, जैसे आप समझ सकते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में आवर्त बीजों में भी डायकोट देन मोनोकोट, मोनोकोट ज़्यादा एडवांस होते हैं डायकोट के, तो कर्मिक उद्विकास, फाइलोजेनी, जातिवर्तीयता, इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स, इन सबको ध्यान में रखा गया, तो वो आपका था नेचुरल फाइलोजेनेटिक। और नेचुरल फाइलोजेनेटिक, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बायोलंपियाड में नीट एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज बेस्ट क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्वेश्चन आ जाए, ए क्लासिफिकेशन इज बेस्ट व्हेन इट बेस्ड ऑन, जब ये किस पर आधारित है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग फाइलोजेनी, तो सबसे बेस्ट आपका ये आंसर होगा, तो नेचुरल फाइलोजेनेटिक, तो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ये आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सफिक्स फॉर टैक्सोन एक्सेप्ट, निम्न में से सभी के लिए प्रत्यय लगाया जाता है। जनरली आप देखते हो कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जनरली अपन फैमिली की बात करते हैं, प्लांट फैमिलीज की, तो वहाँ एसी, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, यस, और आप समझ सकते हैं कि जैसे अपन वहाँ पर क्लास पे आए तो हिपेटिकॉप्सिडा, क्लियर, ब्रायोप्सिडा, तो है ना, और या फिर एनी, डाइकोटिलेडोनी और मोनोकोटिलेडोनी। ऑर्डर पे अपन आए तो एल्स, जैसे सेपनेड एल्स है, पोलिमोनियल्स हैं, ये आ गया फैमिली एसी। लेकिन जीनस, जैसे सोलेनम है, आप समझ सकते हैं ट्रिटिकम है, मेंजी फेरा है, ये सारे जीनस है, बट वहाँ कोई सफिक्स नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फोर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
क्वेश्चन 20, लोवेस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज किंगडम स्पीसीज जीनस फैमिली। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे बेसिक और जो लोवेस्ट कैटेगरी है दैट इज स्पीसीज, उसके बाद आप जानते हैं कि जीनस, रिलेटेड स्पीसीज, आप अच्छे से जानते हैं बेटा जीनस रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो जीनस, और फिर आप जानते हैं कि फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी क्या होती है? किंगडम। अब सिंपल है, स्पीसीज बेसिक है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, डाइकेरियोफेज इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डाइकेरियोफेज किसका विशिष्ट लक्षण है? क्या सभी फंजाई का है? देखो बेटा, फंजाई की जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ फंजाई आर जनरल हैप्लोइड, वो ऑलवेज हैप्लोइड होती है। तो फंजाई में जनरली आप जानते हैं कि जाइगोटिक म्यूसिस होता है और हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैप्लोइड सेक्स सेल या हैप्लोइड गैमेट फ्यूज होते हैं, तो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होना प्लाज्मोगेमी। अब जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई और क्विक तुरंत कैरियोगेमी हो जाए, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में इमिडिएटली न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं तो कैरियोगेमी हो जाती है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेजिटेटिव सेल्स या जो भी सेल्स फ्यूज होती है सोमेटोगेमी में, तो सेल फ्यूज होने के बाद जो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, कैरियोगेमी डिले हो जाती है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो एन प्लस एन, वहाँ आप देखते हैं कि एक ही सेल में दो टाइप के न्यूक्लियस, एन प्लस एन। तो ये एन प्लस एन, ये डाइकेरियन है, डाइकेरियोफेज है। तो वहाँ कैरियोगेमी डिले होने से डाइकेरियन फेज या डाइकेरियोटिक फेज लॉन्ग होती है, क्लियर। वो एस्को और बेसिडियो में सबसे बेस्ट होती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो में। और जैसे आप फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स का स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको लग भी जाएगा कि जैसे अपन लोअर फंजाई से हायर फंजाई की ओर जाते हैं तो रिप्रोडक्शन मेथड प्रिमिटिव होते जाते हैं, क्योंकि वहाँ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। यस मेरे राजा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन पेनिसिलियम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वहाँ भी आपको फोटो दे रखी है कि पेनिसिलियम में ड्यूरिंग एसेक्सुअल जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो आपके कोनिडिया स्पोर। तो सीधा आपका आंसर है कोनिडिया स्पोर बनते हैं, क्योंकि फंजाई के अंदर एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर इन एप्लेनोस्पोर वो फाइकोमाइसिटीज में, मोटाइल और नॉन मोटाइल, एंडोजिनस इन ओरिजन बीजाणुधानी के अंदर अंतर्जात, वो आप समझ सकते हैं कि फाइको के हैं, एस्को में कोनिडिया है और बेसिडियो में किसी भी टाइप का एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। तो यहाँ आपका आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ एसओ2 पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सा एसओ2 प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है एनवायरमेंट के अंदर, तो लाइकेन। लाइकेन वहां कभी ग्रो नहीं करते हैं जहां पोल्यूशन है। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि लाइकेन की लग्जरियंट बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसका मतलब वो लेस पोल्यूटेड या बहुत ही पोल्यूशन फ्री एरिया है, ठीक है ना। और जहाँ एसओ2 पोल्यूशन होता है वहाँ तो लाइकेन कभी भी ग्रो नहीं करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये पोल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, बेस्ट इंडिकेटर हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका हो जाएगा लाइकेन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यस मेरे राजा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। इन क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, अपन एग्जाम में भी बहुत बार यहाँ दिक्कत कर देते हैं कि नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, ये देखिएगा, तो सही नहीं है, कई बार अपने यहाँ करेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का 2016 के लगभग। तो यहाँ दिया गया कि संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का संग्रह, गलत बात। अरे भाई, तस्वीरों का संग्रहण थोड़ा ही है, एक ही बात मेरे राजा बेटा रानी बेटी दिमाग में बसा लीजिएगा, बोटनिकल गार्डन जो होते हैं वहाँ लिविंग प्लांट को, जो वहाँ के लोकल होते हैं या डिस्टेंट एरिया से आए, लिविंग प्लांट का लार्ज स्केल पे कलेक्शन किया जाता है। एक तो एक्सिटी कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर है कि वो
उनको फैमिली और उनका जीनस का नाम लिख दिया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए या जो भी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हो उनमें एक सहायता साधन हो, टैक्सोनॉमिकल एड के रूप में वो यूज हो, क्लियर, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, तो वो आपके होते हैं बोटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल जो पार्क होते हैं वहाँ लिविंग बट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जंतु होते हैं, ऐसे नहीं कि जो पालतू जानवर होते हैं उनका किया जाएगा, जो जंगली जानवर हैं, एंडेंजर्ड हैं, उनको ह्यूमन केयर में रखा जाता है और उनको वैसे ही हैबिटेट प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे उनके नेचुरल हैबिटेट होते हैं, ठीक है। फिर आपका था हर्बेरियम सीट, फिर आप जानते हो प्रेसर ड्राइड, और जो पॉइजनिंग पार्ट होते हैं प्लांट स्पेसिमेन ओनली, प्लांट स्पेसिमेन का हर्बेरियम, और म्यूजियम में लोअर प्लांट, डेड लोअर प्लांट या स्पेशली डेड एनिमल को कंटेनर या जार में जो सॉल्यूशन में डुबो के रखा जाता है, आप जानते हो उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन में रखा जाता है, परिरक्षित घोल में उनको डुबो के रखा जाता है कंटेनर या जार में। इसलिए आप समझ सकते हैं ये नहीं होगा कि ये टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही है, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए वर्गी की सहायक है, क्योंकि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है डिफरेंट की। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेसर्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ये भी सही है। फिर देखिएगा बोटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर स्टडी रेफरेंस, तो ये भी करेक्ट है। तो सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन फर्स्ट गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाइज कॉल्ड, उत्तरपादपों की जड़ और फंजाई के मध्य संबंध, ये क्वेश्चन भी कई बार नीट में आ चुका है। आप जानते हो पाइनस जो जिम्नोस्पर्म है, आप अच्छे से जानते हो कि कॉनिफर्स जो सबसे बड़ा ऑर्डर उन पर है कॉनिफेरल्स, और उसमें एक जीनस आपका होता है पाइनस, तो पाइनस का जो प्लांट है यहाँ टैप रूट सिस्टम होती है और यहाँ से फंगल फंगल हाइपिया फंगल ट्रैप ऐसे इस प्रकार होते हैं, तो ये आपका होता है माइकोराइजा, तो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, पाइनस में हायर प्लांट रूट पाइनस और एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइपी, तो एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइपी एंड हायर प्लांट्स जस्ट लाइक पाइनस, तो ये आपका होता है माइकोराइजा, क्लियर है, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम, भाई वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कृत्रिम पद्धति से किसमें भिन्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें भी देखिएगा बहुत तरीके से आपको देखना होगा कि देखो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कृत्रिम पद्धति इसमें भिन्न होती है, कैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, केवल एक और दो भाई आकार के लक्षणों पर आधारित था, तो वहां क्या हुआ कभी कभी अनरिलेटेड प्लांट असमान प्लांट सेम ग्रुप में आ गए, ये उसकी डीमेरिट थी, जबकि आप जानते हो कि इसलिए अच्छे से वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे ग्रुपिंग अच्छे से नहीं हो पाई, प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं हो पाया। फिर नेचुरल जो ग्रोस मॉर्फोलॉजी, और आप अच्छे से जानते हैं ग्रोस मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल कैरेक्टर इंटरनल कैरेक्टर पे वो बेस्ड था, तो फिर आप अच्छे से जानते हैं मेरे राजा बेटा रानी बेटे कि वहाँ नेचुरल जो प्लांट एफिनिटीज पे डिपेंड था वहाँ अच्छे से ग्रुपिंग हुई, क्लियर, प्रॉपर ग्रुपिंग हुई, तो वहाँ रिलेटेड ही सेम ग्रुप में आ पाए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सीधा आपका आंसर देता है ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, समानताओं और असमानताओं को प्रस्तुत करने में ये बहुत अच्छा आपका ऑप्शन हुआ, क्लियर, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो गया थर्ड, बाकी नहीं हो सकता केवल एक पुष्प लक्षण में नहीं, केवल एक वर्दी लक्षण में नहीं, और विकास से प्रति विकसित करने में ये भी आपका नहीं होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन इन बोटनिकल गार्डन विच पर्पज, वानस्पतिक उद्यानों में पादप प्रजातियों को किस उद्देश्य से उगाया जाता है, इट मीन इंपोर्टेंस क्या बोटनिकल गार्डन का, तो फर्स्ट इंपोर्टेंस तो आप जानते हो टैक्सोनॉमिकल एड है, वर्गी की सहायता साधन है, तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के उद्देश्य से वहां तो हेल्प करेगा ही करेगा। साथ में सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आया कि दे आर साइट ऑफ एक्सेटिव कंजर्वेशन, ये बाह्य संरक्षण के स्थल भी हैं, क्लियर, तो यहाँ आप देखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि एक्सेटिव टेक्निक यूज होती है, ये हो जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, फॉर लर्निंग देयर साइंटिफिक नेम मेनली ये भी हो जाएगा, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आंसर विल बी फोर, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच वन स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू म्यूजियम, फिर क्वेश्चन आ गया कौन सा कथन म्यूजियम से संबंधित नहीं है, इट हैज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, यहाँ परिरक्षित पादप और जंतु स्पेसिमेन का संग्रह होता है, तो आप समझ सकते हैं कि सही है, द कलेक्शन इज यूजफुल फॉर स्टडी रेफरेंस, हाँ फ्यूचर स्टडी और रेफरेंस है यूज के लिए, पहचान के लिए,
या फर्दर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए तो रखा जाता है, तो ये सही है। और फिर आप जानते हैं कि प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। हाँ, स्टफ करके कुछ को ड्राई करके, जो बड़े एनिमल होते हैं उनको स्टफ करके ड्राई करके, या स्केलेटल सिस्टम को भी अपन रखते हैं, और जो भी फॉसिल्स होते हैं उनको भी अपन म्यूजियम में रखते हैं, सारा सही है। इट इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर, यह हमको उनके खाद्य आचरण और व्यवहार सिखाने में सक्षम है। ये गलत बात हो गई, क्योंकि ये तो जूलॉजिकल पार्क में होता है, क्योंकि जो डेड होगा उसका क्या खाद्य आचरण होगा, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, आपसे पूछा है, नॉट रिलेटेड ही पूछा है। क्लियर? तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट इज फाउंड इन, सम युग्मक अवस्था के साथ अकसाबिक युग्मकी किसमें पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा बेटा, आइसोगैमी क्या है भी? फर्स्ट टाइम आप अच्छे से जानते हैं कि सिनगैमी, सिनगैमी अकर इन प्रोटिस्टा। सिनगैमी का मीन होता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और आप जानते हैं फ्यूजन से जायगोट फॉर्म होता है। अब आइसोगैमी का मीन क्या होता है? व्हेन गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट फिजियोलॉजिकल डिफर, कि जब संलयित होने वाले युग्मक, फ्यूजिंग गैमेट्स, संलयित होने वाले युग्मक आकार के समान हो, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट फिजियोलॉजिकल डिफर, कार्य के रूप से भिन्न हो। अब आकार के रूप से समान होंगे तो या तो दोनों ही गैमेट्स ये मेल गैमेट की तरह हैं और ये फीमेल गैमेट की तरह, या तो दोनों ही गैमेट क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड, और या जैसे अपन बात करते हैं क्लेमेडोमोनास में, तो वहां दोनों ही गैमेट होंगे तो क्या होंगे बेटू, फ्लैजिलेटेड। और आप जानते हैं कि यहां आइसोकोंट सिमिलर लेंथ के फ्लैजिला होंगे। फिर देखिएगा अब ये एन ये फ्यूजन हो गया, तो सिमिलर साइज है बट फ्लैजिलेटेड है क्लेमेडोमोनास में, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। बट स्पायरोगैरा में क्या होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। तो नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, और ये आपका फॉर्म हो गया 2N जायगोट। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, नीट 2013, 2013 और 2014 में रिपीट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्पायरोगैरा 4। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू RH Whittaker इन द गिवन फिगर, द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू हाउ मेनी किंगडम्स? RH Whittaker के अनुसार दिए गए चित्रों में जीव कितने जगह से संबंधित हो सकते हैं? तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको बात करता हूँ, हाउ मेनी किंगडम, हाउ मेनी किंगडम की मीन हो गई कि कितने किंगडम से वो रिलेट हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो आराम से, ये आप जानते हो कि मशरूम का डायग्राम है तो ये फंजाई है, ठीक है, ये पैरामीशियम है, आप अच्छे से जानते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो सीलेटेड प्रोटोजोन है, सीलेटेड प्रोटोजोन, तो ये प्रोटिस्टा में इंक्लूड है अकॉर्डिंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये साइनोबैक्टीरिया है, इवन आप जानते हो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी का एक क्लास था साइनोफाइसी, उसमें इंक्लूड था, बट अकॉर्डिंग फाइव किंगडम दे इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा ड्यू टू देयर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने प्रोकैरियोटिक संगठन के कारण मोनेरा में रख दिए गए, और आज इनको अपन एक मॉडर्न नेम से बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, तो ये मोनेरा में है। ठीक है, वायरस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना कि भाई कैसे साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आया, पहले साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी था, अकॉर्डिंग टू किंगडम अर्लियर क्लासिफिकेशन वो किंगडम प्लांटी में था, बट अकॉर्डिंग फाइव किंगडम देयर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में इंक्लूड हो गया। ये वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस, तो फाइव किंगडम की डिमेरिट भी है कि वायरस विरोइड को फाइव किंगडम में किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि आप जानते हो कि इनमें इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप जानते हैं कि ये आउटसाइड द सेल क्रिस्टल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, है ना, क्योंकि इनमें प्रोटीन मशीनरी नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये किसी भी किंगडम में नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा ये लीवरवर्ट है, आपका एनसीईआरटी डायग्राम है, तो लीवरवर्ट यानी ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी ये आप समझ सकते हैं कि जो गिंगो बायलोबा ये भी प्लांट में ही है, क्लियर, किंगडम प्लांटी में हो गया। ये एंजियोस्पर्म के डायग्राम है, एनसीईआरटी के एंजियोस्पर्म के डायग्राम है, तो किंगडम प्लांटी हो गया।
आपसे पूछा किंगडम, ठीक है ना। तो देखिएगा कि ब्रायोफाइटा है, फिर आपको टेरिडो की बात कर दी या जिम्नोस्पर्म की बात कर दी, एनजियो की बात कर दी, क्लियर। और यहाँ फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा, तो किंगडम कितने हो गए, 4। अब आपके आंसर में देखो यहाँ भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन 4 पे चले, ऐसा नहीं, किस ऑप्शन में 4 है, तो आपका थर्ड ऑप्शन है, बोलो है कि नहीं है। तो 100% यहाँ देखो कई सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं ऐसे ही बेटा जी। आपको एनसीईआरटी की लाइंस को क्लियर करना है, मैटर को सोर्ट करना है, सेल से, डाइवर्सिटी से, आगे इको से इनको लिंक करना है, और आपको मेमोरी में रखना है। और 2021 में बिल्कुल आप अच्छे बच्चे हैं, आज मेरी बिल्कुल मेरे वाहेगुरु से, मेरे भगवान से, मेरे इष्ट देव से प्रार्थना है कि आपके 2021 में एक बेस्ट रैंक आए, और आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से, आप कूल माइंड से पढ़ोगे। यस मेरे राजा बेटा, रानी बेटी। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कार्ल वूज प्लेस्ड प्रोकेट एंड यूकेरट इन हाउ मेनी किंगडम रेस्पेक्टिवली। कार्ल वूज ने प्रोकेट और यूकेरट को कर्म से कितने जगत में रखा, ध्यान दीजिए बेटा। कार्ल वूज जिन्होंने 6 किंगडम थ्योरी दी, तो 6 किंगडम में क्या होता है, इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन बनाए थे इन्होंने सेलुलर लाइफ के, कोशिकीय जीवन के। फर्स्ट डोमेन इन्होंने बताया था आर्किया, आर्किया, ठीक है ना। सेकेंड डोमेन इन्होंने बताया था बैक्टीरिया, और थर्ड डोमेन यूकेरिया। तो देखिए बेटा कि इन्होंने मोनेरा को दो में डिवाइड कर दिया, आर्किया बैक्टीरिया, तो इसमें तो आर्की बैक्टीरिया, एक किंगडम हो गया था आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यहां आप जानते हैं यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और फिर ये यूकेरिया में 4 किंगडम थी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो देखो यूकेरियोट के तो 4 के 4 ही हैं, बट प्रोकेरियोट के 2 किंगडम हो गए थे, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये आप जानते हो डोमेन सिस्टम दिया था कार्ल वूज़ ने, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो जाएगा 2 और 4 सेकेंड आंसर, क्लियर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हु रोड जेनेरा प्लांटेरम बुक। आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल बेंथम हुकर ने, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन को सजेस्टेड किया था, प्राकृतिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, और अपने बुक के 3rd एडिशन जो आपको एनसीईआरटी का जो साइंटिस्ट का वहाँ पर व्यू दे रखा है, वैज्ञानिक परिचय दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, वहाँ बता रखा है कि उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन को अपनी जो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम उसके 3rd एडिशन में शो किया था। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि भाई बेंथम एंड हुकर, 3rd आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रीड फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D। निम्न 4 खतनों को पढ़िए। मैनुअल आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल से उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज को पहचाने में सहायता मिलती है, करेक्ट है, क्योंकि मैनुअल ये टैक्सोनॉमिकल ऐड ही तो है, और मैनुअल एक हैंडी बुक है, साइंटिफिक हैंडी बुक, जो एक एरिया के प्लांट और एनिमल स्पीसीज का आपको विवरण ही तो देता है, तो करेक्ट है। मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सोन की जानकारी आपको देता है, नीट का क्वेश्चन है, करेक्ट है। फ्लोरा कंटेन द इंडेक्स नेम एंड एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। गलत बात होगी भाई, फ्लोरा तो वेजिटेशन की बात होती है, फोना वहाँ पर आए तो फ्लोरा तो वेजिटेशन की बात होती है। ईच स्टेटमेंट इन द कीज कॉल्ड कॉपलेट। गलत बात होगी, जो 2 स्टेटमेंट होते हैं उनको कॉपलेट कहते हो। ईच स्टेटमेंट नोन एज लीड, मार्गदर्शक कहलाता है, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ COD गलत हो गया, क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बेटू, हाँ देखिए बेटू क्वेश्चन नंबर 34। इन बैक्टीरिया फ्लेजिला एंड पिलाई आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। जीवाणु में कसाबिका और पिलाई कर्म से किस प्रोटीन की बनी होती है, तो देखिएगा बैक्टीरियल सेल की जो सरफेस आउटर ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ होती हैं, ये 3 होती हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आपका आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि बैक्टीरियल सेल के ये बैक्टीरियल एनवलप में 3 लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इवन आप जानते हो सेल वॉल और मेम्ब्रेन सभी बैक्टीरिया में होती है। अब साइटोप्लाज्मिक आउटर ग्रोथ, तो प्रोटीन फिलामेंट का एक्सटेंशन होता है फ्रॉम देयर सेल वॉल, तो ये फ्लैजिलम है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम में 3 पार्ट होते हैं, सेल से आउटसाइड जो लॉन्ग एक्सटेंडेड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फिलामेंट, फिलामेंट होता है, और फिर आप जानते हैं कि ये यहाँ पर है हुक, और फिर आप जानते हो बेसल बॉडी। तो फिलामेंट किस प्रोटीन से होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला में जो फिलामेंट होता है, जो मूवमेंट
कर सकता है, फ्लैजलिन प्रोटीन आपकी होती है, और फ्लैजलिन प्रोटीन की यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है 4+4 मोनोमर होते हैं, 4+4 स्पायरली अरेंज होते हैं, क्लियर, स्पायरली अरेंज। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला तो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सूक्ष्म नलिकीय संगठन 9+2 जो आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजिला 9+2 बट ये प्रोकैरियोट में ऑर्गेनाइज नहीं होता, 4+4 आपका होता है। और फिर आप जानते हैं कि ये मेन जीनोमिक डीएनए से एनकोडेड होता है। फिर आप जानते हैं कि पिलाई पाइलिन प्रोटीन की होती है, मूवमेंट के लिए ओनली फ्लैजिला होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पिलाई कॉन्जुकेशन में हेल्प करती है, पाइलिन प्रोटीन की आपकी होती है, और फिमरी फिमरीन प्रोटीन की होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा फ्लैजलिन और पाइलिन सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती है। सीधा आपका बेटा ये अच्छे से आपके एनसाइड में दे रखा है कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, बेसिलस एंथ्रिक्स, सिट्रस कैंकर, जैंतोमोना साइट्री, जो अच्छा क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड हुआ, या अपन अच्छे कहें कि टीबी, टाइफाइड, ये सब किससे होते हैं, हेजा बैक्टीरिया से आपके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया आपको जीवाणु से दिया है, इसलिए ये तीन हो गए, बट आप जानते हो बैंगन का लघुपन रोग यानी लिटिल लिप डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन 36, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहले बता चुका हूँ कि द्विनामकरण पद्धति के खोजकर्ता और संस्थापक जो आपके होते हैं वो कौन है, मतलब ये द्विनाम पद्धति के जनक कौन है मेरे राजा बेटा, तो वो है लीनियस, क्लियर, तो आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है ना, 100% आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सिस्टम ऑफ नेचर वाज रिटन बाय, सिस्टम ऑफ नेचर किसने लिखी थी, कैरोलस लीनियस ने। भाई लीनियस देखो द्विनाम पद्धति के संस्थापक थे, कृत्रिम वर्गीकरण के जनक थे, टैक्सोनोमी के पितामह, अपन वर्गी के पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनोमी अपन लीनियस को कंसिडर करते हैं, और टू किंगडम भी लीनियस ने दिया, बहुत सारे काम किए बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, सिस्टेमा नेचुरी से सिस्टमेटिक वर्ड भी उन्होंने लिया था, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरोलस लीनियस और सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाई। नेक्स्ट आपका है मेंबर ऑफ मोनेरा आर फाउंड नॉर्मली, मोनेरा के सदस्य सामान्य पाए जाते हैं, भाई हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे सॉयल हो, वायु, जल, मृदा, इवन आइस तक भी, एवरीवेयर हर जगह बैक्टीरिया है। हाँ, अगर उसका मेनली हैबिटेट या आप जानते हो कि सबसे प्रमुख आवास पूछा जाए तो ह्यूमिड सोयल, जो आर्द्र भूमि होती है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई सामान्यतः आपसे पूछा तो हर जगह है, तो इन सच हैबिटेट वेर टेम्परेचर इज वेरी लो, ऐसा नहीं है हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है वहाँ ज़्यादा होते हैं, वेर टेम्परेचर इज वेरी हाई, ऐसा भी नहीं है, क्लियर, ओनली इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा भी नहीं है कि पैरासाइट फॉर्म में हो, है ना, वो सैप्रोफाइट भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, दीज आर कॉस्मोपोलिटन। अब ये वर्ड हर किसी को समझ में नहीं आता है, ये कॉस्मोपोलिटन फंजाई और बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, कॉस्मोपोलिटन होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह हो, इन एयर, वाटर, सॉयल, इवन एट आइस, एवरीवेयर, क्योंकि दही में भी बैक्टीरिया हैं, एयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, जो भी फूड मटेरियल्स हैं आप जानते, इवन अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत्र होता है, वहाँ तो हंड्रेड्स बैक्टीरिया हैं, लेकिन एक ह्यूमिड सॉयल में इनका मेन आवास है, आप समझ सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, है ना, कॉस्मोपोलिटन का मीन होता है एवरीवेयर, हर टाइप के हैबिटेट में, ये बात हो गई। आप जानते हो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट पे जहाँ 100 डिग्री से टेम्परेचर है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, रीड द फॉलोइंग पॉइंट, पॉइंट आर रिलेटेड विथ विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, निम्न बिंदुओं को पढ़िए, उपरोक्त बिंदु किस समूह के सजीवों से संबंधित हैं। तो देखिएगा बॉडी सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, डिकम्पोजर ऑफ लीटर, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज आर नॉन, है ना। तो अच्छे से आप देखिएगा बेटा कि ड्यूटेरोमाइसिडीज होते हैं फंजाई इम्परफेक्टिंग, ड्यूटेरोमाइसिडीज क्लास में अपन उन फंजाई को रखते हैं जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज नॉन नहीं है, ज्ञात नहीं है, सेक्सुअल स्पोर का पता नहीं है, और जैसे ही डिस्कवरी हो जाती है तो उनको एस्कोस या बेसिडी से रिलेट कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें सेप्टेट माइसिलियम होता है, कोनिडिया फॉर्म होते हैं, बट सेक्सुअल स्पोर वहाँ पता नहीं है, वो फंजाई इम्परफेक्ट ही हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि वो लीटर के अच्छे डिकम्पोजर हैं, मिनरल साइक्लिंग में अच्छा रोल करते हैं, अल्टरनेरिया सोलेनी जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो भी करता है, ये सारे आप जानते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटी सीधा एनसीईआरटी है। नेक्स्ट आप देखिएगा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अनोक्सी प्रकाशन किसका विलक्षण है, ये बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है नीट का ही।
और आपको अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। नॉर्मल आपको देखो, मैंने बेटा आपको कहा था वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, अधिकांश बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ है, अधिकांश बैक्टीरिया हेटरोट्रोफ है, विषम पोषी स्टेटमेंट हो गया। समार ऑटोट्रोफ, कुछ ऑटोट्रोफ भी है। अब ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है मे बी फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और मे बी कीमोसिंथेटिक। भाई सनलाइट को एंट्रैप करके, सनलाइट को एंट्रैप करेंगे, एटीपी फॉर्म होगी और फिर उसको शुगर सिंथेसिस में यूज करेंगे, या किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करेंगे और केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो उनको ऑप्टेंड होगी उसको शुगर सिंथेसिस में यूज करेंगे, तो कीमो सिंथेटिक होगी। यहाँ सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी ओनली बैक्टीरिया में है। बट जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जनरली उनके अंदर ट्रू पिगमेंट क्लोरोफिल ए नहीं है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैक्टीरियोविरिडिन है, क्रोमेटोफोर। और आप समझ सकते हैं कि वहाँ थाइलेकोड नहीं है तो पीएस सेकंड नहीं है, फोटोसिस्टम सेकंड, और एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट है तो पीएस सेकंड नहीं हो सकता, वाटर का स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो सकती, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो सकती। तो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अर्थ पे ओनली कौन शो करते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, हरे गंधक और बैंगनी गंधक जीवाणु। इन बैक्टीरिया को छोड़ दो, बाकी अर्थ के ऊपर अपन बीजीए पे आते हैं। फर्स्ट टाइम अर्थ के ऊपर बीजीए ने ऑक्सी फोटोसिंथेटिक स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर बीजीए, कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, नो स्टॉक एनाबिना ऑसिलेटोरिया, और यहाँ से ऑक्सीजन की ओरिजिन हुई वापस से। तो इनिशियली जो अर्थ का एनवायरमेंट था, प्रिमिटिव एनवायरमेंट, वो रिड्यूसिंग नेचर का था, यहाँ से ऑक्सीडाइज नेचर का था, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का डेवलपमेंट हुआ, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जो भी एल्गी प्लांट हैं ओनली एंड ओनली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है अनऑक्सी एनऑक्सीजेनिक, तो यहाँ देखिएगा रोडोस्पाइरम सही करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्पायरोगायरा क्लेमाइडोमोनास और अल्वा ये तो यूकैरियोटिक, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी मल्टीसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर है, और अल्वा भी आप जानते हो मल्टीसेलुलर, तो ये सारे ग्रीन एल्गी हैं, और ये तो मतलब वेल डिफाइंड ट्रू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और क्लोरोप्लास्ट है, तो थाइलेकोइड है, पीएस सेकंड है, एनएडीपी रिडक्टेज है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है, ओटू रिलीज करते हैं, बट ये ओटू रिलीज नहीं करता, आंसर विल बी फर्स्ट, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आपका आंसर हो जाए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरम जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं, ये वाटर को यूज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में ये अदर किसी भी सब्सटेंस को, या तो H2S या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स करेक्टर एंड इट्स क्लास आर नॉट करेक्टली मैच्ड, वेयर इज द रिमेनिंग थ्री आर करेक्टली मैच्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि निम्न में से किसी एक में वंश और उसका लक्षण सही सुमेलित नहीं है, यहाँ ध्यान देना नहीं है, जबकि तीन क्या है सही सुमेलित है। तो यहाँ देखिएगा अल्टरनेरिया, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट, अभी बताया था आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है, फंजा इम्परफेक्टिव होते हैं, करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा, एंडोजिनस एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज, ये भी करेक्ट है, न्यूरोस्पोरा आप जानते हो एस्कोमाइसिटीज रिलेटेड होता है, वहाँ सोमेटोगेमी जब होती है तो एंडोजिनस एस्कोस्पोर बनते हैं और एस्कस के इनसाइड एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज, ये भी सही है। पाइथियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बेसिड, ये गलत हो गया, पाइथियम आप जानते हो ओमाइसिटीज से रिलेटेड है, जो फाइकोमाइसिटीज की मेंबर हैं, वहाँ सिनोसाइटिक होता माइसिलियम, क्लियर, ये रॉन्ग है। एल्बुगो, एसेप्टेड सिनोसाइटिक माइसिलियम और फाइकोमाइसिटीज, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, सही सुमेलन नहीं है, यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे देखिए खतरों में सही का चुनाव कीजिए। मेंजीफेरा इज द नेम ऑफ स्पीसीज, गलत है, मेंजीफेरा जीनस का नाम है, ठीक है। और पॉलीमोनियल्स इज ए नेम ऑफ फैमिली, गलत है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, जिसमें सोलेनेसी और कॉनवोलेसी दो फैमिली आपकी आती हैं, तो ये भी गलत है, रॉन्ग है। डाइकोटिलेडोनी इज नेम ऑफ डिवीजन, गलत है, ये क्लास है, ये आप जानते हो डिवीजन एंजियोस्पर्म की दो क्लास है, क्लियर, डाइकोट और मोनोकोट। ट्रिटिकम इज ए नेम ऑफ जीनस, बिल्कुल सही है, ट्रिटिकम जीनस का ही नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का बोटनिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, यस मेरे राजा बेटा, करेक्ट आंसर आपका 4 है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 43।
बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मीन दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैव, नामकरण की द्विनाम पद्धति का तात्पर्य कि प्रत्येक जीव, आप जानते हो कोई भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कंसिस्ट बाय टू वर्ड, वन इज जेनेरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर, दे प्रिंटेड इन इटैलिक इफ दे हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइंड, यस मेरे राजा बेटा, और अपन कहते हैं कि अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो फर्तक फर्तक रेखांकित कर देते हो, ऑथर का नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में दे देते हो, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वहाँ स्मॉल होता है, सारे मैंने आपको रूल्स बता दिए, इसके अकॉर्डिंग देखो वन साइंटिफिक नेम वन पॉपुलर नेम गलत, ए नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट बिल्कुल ही नहीं, वन साइंटिफिक नेम नोमेन कंसिस्टिंग ऑफ वन स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ उसमें एक स्पेसिफिक एपिथेट है और एक आप समझ सकते हैं कि जेनेरिक नेम है, लेकिन फिर भी आपका आंसर यही हो सकता है, इसके अलावा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये देखिएगा ए नंबर इन एन इंटरनेशनल कैटलॉग बाई विच एन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाई, ऐसा भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ सूची वह किस जिसके द्वारा किसी जीव को पहचाना जाता है, यहाँ तो नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड आउट ऑड वन। देखो ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें दिमाग लगाना होता है, आपको यहाँ देखो एल्बुगो पक्सिनिया ऑस्ट्रेलेगो म्यूकर सारे फंजाई दे रखें, आप कैसे ऑड वन देखोगे, तो दिमाग लगो आंसर पाओ, एल्बुगो कैंडिडा व्हाइट रस्टिन कुर्सी पर ऑब्लिगेट पैरासाइट, पक्सिनिया ग्रेमिनस ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा स्मट डिजीज, ये तीनों पैरासाइट हैं परजीवी हैं, बट आप जानते हो म्यूकर जो ब्रेड पे ब्रेड फंजाई होता है, फिर गोबर पे म्यूकर म्यूसिडो डंग पे ग्रो करता है, तो यहाँ म्यूकर सेफ्रोट्रॉफ है, यस सेफ्रोट्रॉफ से मर्तोपजीवी भी है, तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, डब्ल्यू एम स्टानले सो दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वायरस में इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनाइजेशन या कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हैं, जब इनको क्रिस्टलाइज किया जाता है तो लार्ज क्रिस्टल प्रोटीन के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड या इन्फेक्शस नेचर रखता है, और आप अच्छे से जानते हैं कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यस, और दे आर इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वो अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी हैं, 100% आप जानते हो कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा 45 का, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है, ये मैच कर सकता है, बट यहाँ पर आप देखते हो फैकल्टेटिव पैरासाइट दे दिया, विकल्पी परजीवी, ऑल वायरसेस सारे के सारे वायरस 100% दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट, आउटसाइड होस्ट इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उनको कैन नॉट बी कल्चर्ड, उनको कल्चर नहीं किया जा सकता है, वो अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकते कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, लेबोरेटरी में, पैट्री डिश में, यस मेरे राजा बेटा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन 46, टीओडाइनर लार्जर देन वायरस फ्री SSRNA प्रोटीन कोड प्रेजेंट पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर विरोड, तो आप जानते हो कि यहाँ कितने विरोड से रिलेटेड है, फर्स्ट है क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, विषाणु की तुलना में बड़ा ये नहीं हो सकता, मुक्त RNA बिल्कुल सही, SSRNA फ्री SSRNA है, ठीक है ना, ये आपका हो सकता है, तो देखिएगा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री SSRNA होता है, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज फर्स्ट, टीओडाइनर डिस्कवर्ड द PSTV, ये हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट यानी AC और E, तो यहाँ आपका हो जाएगा 3, तो आंसर विल बी 3, 46 का। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, वायरसेज हैव, विषाणु में क्या होता है, DNA एनक्लोज इन प्रोटीन कोट, ये हो सकता है कि भाई आप जानते हैं कि एनिमल वायरस है तो या बैक्टीरियोफेज है तो प्रोटीन कोट के इनसाइड क्या है, DNA है, ये करेक्ट है, बाकी ऑप्शन अपन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं, सेल स्ट्रक्चर सिंगल क्रोमोसोम नहीं, बोथ DNA RNA बिल्कुल नहीं, क्योंकि वायरस में आइदर DNA और RNA नॉट बोथ, कभी दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वर्गीकी पदानुक्रम के अनुसार फेलिस एंड कैनिस आर प्लेस अंडर द सेम फैमिली, गलत बात हो गई, फेलिस आप जानते हैं पैंथ्रा है, फेलिस है ये फेलेडी फैमिली में आते हैं, और कैनिस कैनेडी फैमिली, तो यहाँ फेलेडी कैनेडी अलग अलग फैमिली होगी ना, रॉन्ग हो गया, ठीक है, पोटेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू सेम जीनस, बिल्कुल सही है कि आलू और बैंगन समान वंश में, सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम मेलोनजीना, तो ये दोनों एक ही जीनस में आते हैं, सही है, क्लासेज ऑफ प्लांट विथ फ्यू सिमिलर करेक्टर, यहाँ फ्यू वर्ड आ गया, हिंदी के बच्चे कन्फ्यूज नहीं हो जाए, यहाँ फ्यू यानी नगण्य होता है नेग्जिरेबल, तो फ्यू से ये गलत हो जाएगा, हालांकि सिमिलर करेक्टर डिक्रीज होते हैं कम ही होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फ्यू वर्ड नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा।
और पैंथ्रा लियो एंड फेलिस डोमेस्टिका आर प्लेस्ड इन डिफरेंट फैमिलीज। पैंथ्रा लियो और फेलिस डोमेस्टिका एक ही फैमिली में आते हैं फेलेडी के अंदर, डिफरेंट में नहीं आते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रेफर द गिवन फिगर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। दिए गए चित्र को देखकर सही विकल्प को आप चुनना है। मैंने आपको बताया सबसे बेसिक यूनिट आपकी स्पीसीज, देन जीनस रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड स्पीसीज, संबंधित जातियाँ एक वंश में आती है जो अन्य वंश से असमानता और वो आपस में बहुत कोरिलेटेड होती है कि उनका पूर्वज को एक है, इस बात को शो करती है। फिर जीनस के बाद फैमिली होती है, फैमिली के बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। प्लांट के लिए अपन डिवीजन यूज करते हैं, यहाँ पर आपका हो जाता है किंगडम, ठीक है। अब आपसे जो छोड़ दिया स्पेस, तो फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, ये आप जानते हो किंगडम। अब आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए इज हायर कैटेगरी देन बी। तो ए आप जानते हो कि बी से हायर कैटेगरी नहीं हो सकती, गलत हो गया। ए बी सी आर थ्री डिफरेंट कैटेगरी विथ सिमिलर रैंक, ए बी सी समान रैंक सहित तीन भिन्न वर्ग हैं। और फिर आपका हो गया ए हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन बी, तो बी की तुलना में ज्यादा समान लक्षण होंगे ए में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन 50। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉर्नवोलेसी एंड सोलनेसी। अभी मैंने आपको बताया था कि फैमिलीज जो कैटेगराइज की गई थी वो आप जानते हो कि वहाँ पर वेजिटेटिव करेक्टर की तुलना में जो फ्लोरल करेक्टर होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था कि फ्लोरल करेक्टर कंजर्व्ड होते हैं, संरक्षित होते हैं, नॉर्मल फिजिकल एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। इसलिए आप अच्छे से जानते हैं कि देखो ये दोनों फैमिलियाँ पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आई और किस किन करेक्टर पर बेस्ड है, फ्लोरल करेक्टर पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। बाकी यहाँ देखो वेजिटेटिव दे दिया तो ज़्यादा अच्छा आंसर ये हो गया, बाकी ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लीनियस। लीनियस द्वारा दिए गए कृत्रिम वर्गीकरण तंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इट वॉज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव करेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम। इट गैव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इट यूज रिप्रोडक्टिव करेक्टर लाइक एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, ये भी सही है। ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल करेक्टर, ये गलत हो गया, क्योंकि बेटा जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अपन कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ओनली, केवल और केवल एक या दो आकारिक लक्षणों पर। हाँ, वैसे तो आर्टिफिशियल में वेजिटेटिव करेक्टर यूज किया गया, लेकिन वेजिटेटिव को और सेक्सुअल करेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया, जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर फ्लोरल करेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि फ्लोरल करेक्टर कंजर्व्ड होते हैं, जनरली फिजिकल एनवायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज होता तो वो वेरिएबिलिटी नहीं शो करते हैं, चेंज नहीं होते हैं, इसलिए फ्लोरल करेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए था, है ना। और केवल एक दो आकार के लक्षण मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे ये था, तो आपका आंसर यहाँ पर फोर हो जाएगा, क्योंकि फोर इससे रिलेटेड नहीं है, इनकरेक्ट आपसे पूछा है और इनकरेक्ट आपने फोर आंसर आपने दे दिया, क्योंकि ग्रोस मॉर्फोलॉजी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनाटॉमिकल करेक्टर तो नेचुरल में आए थे, यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ए फंगस दैट इज डीकम्पोजर ऑफ वुड हैज लॉन्ग लिव्ड सेकेंडरी माइसिलियम सो क्लैम कनेक्शन एंड प्रोड्यूस एक्सोजिनस स्पोर पुट अंडर द क्लास। एक कवक जो कास्ट के अपघटक है, देखिए बेटा वैसे तो कुछ एस्कोमाइसिटीज के मेंबर भी लकड़ी का अपघटन कर सकते हैं, वुड का, बट लकड़ी के अपघटन करने वाला का सबसे बड़ा वर्ग है, लार्जेस्ट ग्रुप है, वो बेसिडियो है। इवन लिग्निफाइड वुड को भी वो डिकम्पोज कर देते हैं, लिग्निनयुक्त लकड़ी को भी। इसलिए बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड, लकड़ी के जो सबसे अच्छे अपघटक हैं, दैट आर बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर। फिर यहाँ पर आप अच्छे जानते हो, वहां पर आपने देखा लाइकोपोडोन वो आते ही हैं। अगली बात ये कि उनमें द्वितीय कवक जाल, जब द्वितीय कवक जाल बनता है तो डाइकैरियोटिक हो जाता है, और वहां आप जानते हो कि डोलीफोर सेप्टम होते हैं, डोलीफोर सेप्टम होते हैं, स्पेसिफिक कनेक्शन होते हैं क्लैम कनेक्शन, ये आपके होते हैं क्लैम कनेक्शन। तो ये किस क्लास से रिलेटेड है, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिए गए खतरों में से कौन सा एक गलत है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जनरली बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टाइड और ग्लाइकेन यानी हेट्रोपोलीसेक्राइड, नाग और नाम। तो आप जानते हो सुगर और एमिनो एसिड की बनी होती है, सुगर प्लस एमिनो एसिड,
और फोर टाइप के अमीनो एसिड होते हैं शुगर में, आप जानते हो नाग एन एस्टर ग्लूकासामिन और नाम एन एस्टर म्यूरेमिक एसिड आपका होता है। तो यहाँ आप अच्छे से देखते हो कि बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, करेक्ट है। द वॉल ऑफ डायटम इजिली डिस्ट्रक्टिबल, डायटम की भित्ति आसानी से नष्ट होने योग्य होती है, गलत है। डायटम की सेल वॉल में जो सॉफ्ट बॉक्स लाइक होती है, साबुदानी की तरह होती है, सिलिका पार्टिकल होते हैं, बहुत ही हार्ड होती है, वो ग्रिटी होती है, सिलिका में होती है, सिलिकेसिस सेल। इसलिए जनरली जब उनकी डेथ भी हो जाती है तो वो डिकम्पोज नहीं होती है, डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती है, और उसके जो अवशेष हैं रिमेनिंग पार्ट है वो डिपोजिट होकर डायटमेसिस सॉयल या डायटमी मर्दा बना लेते हैं, जो कई सारे उसके यूजेज हैं, आगे अपन वो सारा क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये गलत हो गया। सेकंड, इन वीरियड आरएनएज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, सही है, फ्री एसएसआरएनए होता है और जनरल आरएनए के कंपैरिजन वो लो मोलिकुलर वेट रखता है, अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट नॉन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, आप जानते हो पृथ्वी पर पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम फंजाई से, वो एस्को से रिलेटेड है, एस्कोमाइसिटिस से। तो ये भी करेक्ट, आपसे रॉन्ग पूछा है, ध्यान दे लेना, यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, और रॉन्ग पूछा है तो आपका जो आंसर है वो सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, चूज द इनकरेक्ट मैच, फिर देखो गलत मिलान को आपको चुनना है, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, बिल्कुल साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए ग्रीन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, क्लोरोफिल ए, और फिर जानते हैं इनमें सी फाइकोसाइनिन होता है, सी फाइकोसाइनिन साइनिन ब्लू, ये डोमिनेंट फॉर्म में होता था, ये क्या कहलाए, ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है। हेलोफिल्स आर्कियोबैक्टीरिया है, डेवलप ए पिगमेंटेड मेम्ब्रेन इन स्ट्रॉन्ग, हाँ बैक्टीरिया रोडोप्सिन उनकी मेम्ब्रेन में होता है, वो सनलाइट को एंट्रैप कर सकते हैं, एटीपी फॉर्म करते हैं डायरेक्ट, बट उसको वो अपने शुगर सिंथेसिस में यूज नहीं करते, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो ये भी बात आपकी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियम, सही है, एजेटोबैक्टर आप जानते हो कि मुक्त जीवी वायवीय जीवाणु होता है एजेटोबैक्टर, और एजेटोबैक्टर तो आप अच्छे से जानते हैं कि बेटा ये तो एरोबिक बैक्टीरिया है स्ट्रिक्टली। ट्रांसडक्शन वाज फर्स्टली डेमोस्ट्रेटेड इन ईकोलाई, ये गलत बात है। ट्रांसडक्शन जानते हो बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरियम सेल पर अटैक करता है, ट्रांसडक्शन, तो बैक्टीरियोफेज से डीएनए ट्रांसफर होता है, वहां आप जानते हो कि किस बैक्टीरिया पे यूज किया था ईकोलाई पे, वो आप एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, ये रॉन्ग हो गया, आंसर विल बी 4, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आर नॉट मोस्ट एबुडेंट, ये सही है। आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, गलत है भाई, दही निर्माण में हूँ कहाँ से, वो तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, तो ये सही है लेकिन ये रॉन्ग है। पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों रखते हैं, गलत बात, जो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना वो कभी भी पीएस सेकंड नहीं रखते हैं, तभी तो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, कि पीएस सेकंड एब्सेंट होता है, एनएडीपी रिडक्टेज एब्सेंट होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफोजन होता ही नहीं है, वाटर का फोटोलाइसिस होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं कि ये रॉन्ग है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नॉट अकर, ये सही है। चूज द सेट ऑफ करेक्ट, तो यहाँ पर ए सही है, डी सही है, तो ए डी का फर्स्ट आंसर ही आपका हो गया, क्लियर, आंसर विल बी क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ऑल द एडिबल फंगस एक्सेप्ट, सभी खाने योग्य हैं, देखो एस्को में मोरिल बफल टर्फल्स, और स्पेशली आप जानते हो कि मोरकेला वो खाने योग्य होता है, तो मोरिल्स खाने योग्य, टर्फल्स भी हैं। एगेरिकस बाइस्पोरस, ये सबसे स्वादिष्ट मशरूम है, लेकिन अमेनेटा मस्कोइड, ये एग्जाम में क्वेश्चन था, अमेनेटा मस्कोइड सबसे पॉइजनस मशरूम है, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4, कि एक को छोड़कर सारे खाने योग्य हैं, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटिस्ट ऑब्टेन देयर फूड बाय, प्रोटिस्ट अपना भोजन प्राप्त करते हैं, देखो बेटा कि प्रोटिस्टा में अपन इरेस्पेक्टिव देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको संदर्भ ही नहीं देते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, क्योंकि प्रोटिस्ट में वो सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को शो करते हैं, एक उसके यूकेरियोटिक संगठन को शो करते हैं, इवन प्लांट लाइक होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, प्लांट लाइक डायटम डायनोफ्लेजेट्स फोटोसिंथेटिक, इवन एनिमल लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोटोजोन्स, और इवन आप जानते हैं प्रोटिस्ट डीकम्पोजर स्लाइम मोल्ड्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कीमोसिंथेसिस वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस सही है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी सही है, तो बी और सी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट मैं आपको देखता हूँ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 58, हेटरोसिस्ट आर स्पेशलाइज सेल फाउंड इन सम बीजीए, दे आर स्पेशलाइज फॉर, हेटरोसिस विशिष्ट कोशिकाएं कुछ बीजीए में पाई जाती है, किसके लिए स्पेशलाइज होती हैं, तो जानते हो जैसे अपने बताया आपको कि यहाँ पर ये आपकी सेल्स होती हैं नोस्टोकैनाबिना में, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है,
ठीक है ना, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, और ये सेल्स ऐसे कॉलोनियल आपके होते हैं, बीच बीच में कुछ सेल्स होती है जो थिक वॉल्ड, तो इससे डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की होगी, थिक वॉल्ड तो सिस्ट, और विषम आकार की होगी तो हेटेरो सिस्ट। आप जानते हो इनमें निप जीन होती है, निप प्लाज्मिड, नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर होता है, ठीक है, और वो नाइट्रोजनेज एंजाइम आपका होता है, क्लियर। तो यहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजनेज एंजाइम या निफ क्या करता है, N2 को अमोनिया में, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, ये N2 फिक्सेशन है, और वही प्रोकैरियोट ओनली या तो कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो ये कैपेसिटी रखते हैं, और निफ की प्रेजेंस में हो जाता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया। और आप अच्छे से जानते हैं कि देखो लेग्यूम प्लांट के अंदर जो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है राइजोबियम, तो वहाँ पर तो जानते हो बैक्टीरियल जो नोड्यूल बन जाती है, तो वहाँ तो लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है, ऑक्सीजन को वहाँ रिमूव कर देता है, बट बीजीए में तो हेट्रोसिस्ट ये थिक वॉल्ड यही होती है जो O2 के लिए इम्परमेबल है, और इनसाइड पीएस सेकंड भी एब्सेंट है, ये हेट्रोट्रॉपिक सेल है जो एडजोइनिंग सेल से न्यूट्रिशन लेती है, तो इनसाइड पीएस सेकंड एब्सेंट है, वो वैसे ही इनसाइड आप जानते हो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन बनेगी, आउटसाइड से इम्परमेबल फॉर O2 बट परमेबल फॉर N2, ऑक्सीजन के लिए एपारगम में और नाइट्रोजन के लिए पारगम में है, यस। तो यहाँ आपका हो जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर एरोबिक नहीं हो सकता, नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन, और नाइट्रोजनेज एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन चाहिए बस, तो वो अलग अलग कंडीशंस होती है एनारोबिक, यहाँ हेट्रोसिस उसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर रही है, क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर। आप नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न कौन सा एक सत्य कथन नहीं है, फिर देखिए सत्य कथन नहीं, इट मीन इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है, इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है ना, ये ध्यान देना यहाँ पर, फिर आप ध्यान दीजिएगा कि हर्बेरिया सर्व एज क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, 2016 का क्वेश्चन है कि अगर आपको वर्गी की सहायता साधन के रूप में, वर्गी के अध्ययनों में, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में आपको क्विक रेफरल सिस्टम तत्काल सूचना चाहिए, तो आप कहीं पर भी जाकर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हर्बेरिया देखेंगे, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। बॉटनिकल गार्डन आर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेजियो प्लांट, गलत बात, बॉटनिकल गार्डन द साइट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि वहाँ लोकल और डिस्टेंट एरिया से प्लांट को आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, क्लासिफिकेशन पर्पज के लिए वहाँ पर ग्रो कराया जाता है, क्लियर। और कीज आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर बोथ प्लांट एनिमल, बिल्कुल करेक्ट है। कुंजी कृत्रिम विश्लेषणात्मक उपकरण है जो पादप और जंतुओं की पहचान के लिए, भाई पादप और जंतु का वर्गीकरण उनकी समानता और असमानताओं, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी बेसिस पे किया जाता है, और की है ना ये फीचर ही हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं, एनालिटिकल होती हैं उनको अपन अरेंज करते हैं, आर्टिफिशियली तो होते हैं, क्लियर। तो आप जानते हैं कि ये भी करेक्ट है, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, कई बार आ चुका है, आपका आंसर हो गया सेकेंड, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन 60, माइकोराइजल एसोसिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हायर प्लांट पाइनस और वहाँ फंगल हाइपी का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और आप अच्छे जानते हैं कि वहाँ सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज हो गया, और जो रूट हैं उनको पैथोजन अटैक से वो प्रोटेक्ट करते हैं, लवणता सहिष्णुता वो सारी बात आप जानते हो कि सैलिनिटी ये टॉलरेंस उनको मिलती है, तो देखो बेटा कि इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया सही है, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू फंजाई, फंजाई को आवास मिलता है, भोजन मिल ही रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है, एनहेंस सप्लाई ऑफ NPS ये भी सही है, तो आप जानते हो कि ABC यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो देखिएगा बेटा मेरे कि यहाँ पर ABC तो यहाँ आपका आंसर जो ABD हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत है ना, सी तो ABD हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन 61, कंसिडर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दिए गए चित्र पर विचार करो सही विकल्प, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोनेरा किंगडम से आपका जो 19 पेज ऑफ NCERT को वहाँ पर आप ये डायग्राम दे रखा है, बाइनरी फ्यूजन को शो कर रहा है, तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन ऑफ DNA, और फिर आप जानते हो कि मीजोसोम डिवीजन, सेप्टा और फिर दो बैक्टीरियम सेल बन जाती है, एमाइटोटिक डिवीजन होता है, स्पिंडल तो वहाँ है ही नहीं, तो देखो बेटा प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ये गलत है, वो तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, सेल डिवीजन डज नॉट इन्वॉल्व द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये करेक्ट है, क्योंकि सेल डिवीजन वहाँ एमाइटोटिक टाइप का होता है, एसूत्री, और वहाँ स्पिंडल है ही नहीं, कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये सही है, और स्पेशलाइज इंट्रासेलुलर कनेक्टेड बिटवीन A+, ये भी गलत है,
बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन ही तो है, तो यहाँ पर ए और क्या हो जाएगा, डी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी बी और डी। तो यहाँ पर आप कौन, बी और डी सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 62, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, करेक्ट स्टेटमेंट आर। नामकरण की द्विनाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित खतनों को पढ़िए और सही खतन को अपन को चयन करना है। इट वॉज डेवलप्ड बाई लीनियस। आप भी जानते हैं कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के एक्चुअल जो डिस्कवरी और उसके जो फाउंडर हैं कैरोलस लीनियस हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रिवेटेड फॉर्म, ये भी करेक्ट है, अपने पहले बता दिया था, मेंजीफेरा इंडिका लिन। लेखक का नाम संक्षिप्त में अपन लिखते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म में। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि फर्स्ट लेटर तो आप जानते हो, फर्स्ट वर्ड तो जेनेरिक नेम है और कैपिटल से स्टार्ट होता है जेनेरिक नेम, ना कि स्पेसिफिक एपिथेट, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और सेकेंड वर्ड है, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ये भी रॉन्ग हो गया, भाई लैटिन में होते हैं, फिर अदर लैंग्वेज के लैटिनाइजेशन से, अदर लैंग्वेज का लैटिनाइजेशन कर दिया जाता है, बट यहाँ रिटन है, इफ हैंड रिटन देन सेपरेटली अंडरलाइंड, अगर हस्त लिखे थे तो फर्तक फर्तक अंडरलाइंड होते हैं, वो तो प्रिंटेड होता है यहाँ पर, अगर प्रिंटेड होता है तो सही होता, क्योंकि ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज करने के लिए दोनों स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आंसर आपका 4 होगा, ओनली ए एंड बी, भाई ए बी एंड डी भी हो सकता है, डी में ये गलत हो गया, तो यहाँ पर ओनली ए एंड बी आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटेड होता है, दे प्रिंटेड इन इटैलिक्स है ना, और वो उनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है, तो एनसीईआरटी ने प्रिंटेड लिख रखा, छपा होना और लिखने का मतलब अलग अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इन रेफरेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ कैट, यानी बिल्ली की जो वर्गी की सहवर्ग है उसके बारे में आपको संदर्भ में गलत मिलान को आपको करना है। फाइलम कोर्डेटा सही है, एनिमल है, कोर्डेटा है, ऑर्डर प्राइमेटा, ये रॉन्ग हो गया, प्राइमेटा तो आप जानते हो कि ह्यूमन और मंकी का ऑर्डर है प्राइमेटा। फैमिली फेलेडी ये करेक्ट है, जीनस फेलिस ये भी सही है, बट ऑर्डर प्राइमेटा गलत हो गया, क्योंकि वो तो ह्यूमन का ऑर्डर है। यस आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्गी की पदानुक्रम में समान लक्षणों की संख्या जगत से जाति की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही है। अपने जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी की बात की, तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में जब अपन डिसेंडिंग ऑर्डर जाते हैं किंगडम से स्पीसीज, तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये करेक्ट है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी एग्जिबिट मैनी सिमिलर कैरेक्टर, गण उच्च वर्ग होने के कारण कई समान लक्षण रखता ही है, आप समझ सकते हैं। तो उच्च वर्ग होने के कारण आप समझते हैं, जैसे अपन हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते जाते हैं, डिक्रीज। तो ध्यान दीजिए मेरे बेटू कि जैसे अपन हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज। तो यहाँ पर आपका होगा ओनली ए इज करेक्ट, और यहाँ बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 65, मैच कॉलम फर्स्ट पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म का एक पेयर दिया गया है, विथ कॉलम सेकंड नंबर ऑफ सेड कैटेगरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। भाई स्तंभ फर्स्ट में जीवों के जोड़े दिए गए और स्तंभ सेकंड में साझा वर्गों की संख्या के साथ मिलान कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। बेटा इस क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें क्या करना है कि जैसे आपको जो ऑर्गेनिज्म का पेयर दे रखा है तो कितनी कैटेगरी उनमें सिमिलर है वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं, वो आपको ढूंढना, ठीक है। और अपन कहते हैं कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं, क्लियर। तो जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती हैं इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि स्पीसीज से किंगडम और किंगडम से स्पीसीज, आप किंगडम से स्पीसीज आते हो सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम जीनस में हो, डिफरेंट जीनस में हो सकते हैं, रिलेटेड जीनस होंगे बट वो, लेकिन वो सेम फैमिली में आ सकते हैं, क्लियर। और हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में हो लेकिन सेम ऑर्डर में आ सकते हैं आगे, क्लियर है ना। जैसे आप जानते हो कि कैट और डॉग डिफरेंट फैमिली में लेकिन कार्निवोरा ऑर्डर सेम में है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अपन मंकी ऐप से प्राइमेटा ऑर्डर पर जाकर सिमिलर होते हैं, या फिर टाइगर लोइन से भी अपन क्लास मेमेलिया में अपन सेम हो जाते हैं, ऐसे आपको ये बात करनी है। तो ट्रिटिकम और मेंजीफेरा, देखिए बेटा मेंजीफेरा डाइकोट है, ट्रिटिकम मोनोकोट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवीजन पे जाके, डिवीजन एंजियोस्पर्म और किंगडम प्लांटी,
तो ये दो कैटेगरी को शेयर करते हैं, सिमिलर कैटेगरी को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए में थर्ड। फिर आप देखिएगा, देखो होमो और पैंथ्रा, तो होमो भी जीनस है, पैंथ्रा भी जीनस है, बट डिफरेंट जीनस है। ये रिलेटेड जेनरा, आप जानते हैं कि फैलेडी फैमिली बनाएंगे और यहाँ पर होमोनिडीर ऐसे आपका बनता जाएगा। बट ये क्लास मैमल्स, तो क्लास में दोनों जाकर सिमिलर हो जाएंगे मैमेलिया पे, तो ये क्लास हो गई। फिर क्लास के बाद में अपर आपका आता है फाइलम, तो फाइलम कोर्डेटा है ही, और किंगडम, तो तीन पे आपके हो गए। ये दोनों कितने पे हो जाएंगे? तीन पे, ठीक है। और सोलेनम और कैनिस, ये जीरो, क्योंकि सोलेनम प्लांट जेनरा कैनिस डोका जीरो, तो वो तो हो गए अलग अलग किंगडम ही अलग अलग हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि वो जीरो कैटेगरी को शेयर करते हैं। और फेलिस और कैनिस, तो देखिएगा फेलिस कैनिस, फेलिस और पैंथ्रा, फेलिस और पैंथ्रा फैलेडी फैमिली और कैनिस से कैनेडी फैमिली। फिर ये ऑर्डर कार्निवोरा पे, तो ये ऑर्डर पे आ जाते हैं, ये ऑर्डर पे सेम ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर के बाद आप जानते हो कि क्लास मैमल्स होगी, उसके बाद आप जानते हो कि फाइलम और किंगडम, तो ये आपके हो गए फोर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? फोर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? आपका सेकंड, ये देखिएगा सेकंड आंसर हो गया, बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मेज्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? भाई ICBN फाइकस, सही है, प्लांट के लिए इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर कोड असाइन है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN वायरस इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, ICNB सोलेनम, तो ये गलत हो गया। ICNB आप जानते हो बैक्टीरिया के लिए है, और ICZN पैंथ्रा, ये करेक्ट है, तो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मेल गैमिट आर फ्लैजिलेटेड इन, निम्न में से किसमें नरिगमक असाबिक होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, स्पायरोगायरा और पॉलीसाइफोनिया। स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड बताया मैंने आपको, पॉलीसाइफोनिया भी आप समझ सकते हैं कि रेड एल्गी है, रेड एल्गी की लाइफ में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती है, एनाबिना बीजीए के लाइफ साइकिल में कुछ नहीं होता है, यस, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक्टोकार्पस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्टोकार्पस, फोर आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, वहाँ पर जूस फोर भी फ्लैजिलेटेड होते हैं, और एनाइसोगेमी वहाँ पर हो जाएगी, तो फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यस बेटू, क्वेश्चन नंबर 68। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस ऑफ मोनेरंस, मोनेरा के संदर्भ में असत्य विकल्प को आपको चुनना है। नॉन सेलोजिक सेलवाल करेक्ट है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन की सेलवॉल होती है, सुगर और एमिनो एसिड, तो नॉन सेलोजिक वाल होगी। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट है। सेलर टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है। प्लाज्मिड इज ऑलवेज एब्सेंट, ये रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज एब्सेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैन जीनोमिक डीएनए के अलावा आप जानते हो कि बैक्टीरियल सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जो स्मॉलर डीएस सर्कुलर डीएनए होता है, तो वो होता है प्लाज्मिड, जो आप जानते हैं कि मोस्टली प्रेजेंट होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, फोर आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। स्टेटमेंट ए, बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया शो करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 12 में आया, क्योंकि आप समझ सकते हो मोस्टली बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, अधिकांश बैक्टीरिया या मतलब हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ए वेस्ट मेजोरिटी मेजोरिटी बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स होते हैं, सम आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी फोटोटोट्रॉप भी होते हैं और कीमोटोट्रॉप भी होते हैं, ठीक है। और जो कीमोटोट्रॉपिज्म का करेक्टर है, किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ATP में स्टोर करना, फिर ATP एनर्जी ऑफ करेंसी को सुगर सिंथेसिस में यूज करना, सरकरा संश्लेषण में यूज करना, ये कीमोटोट्रॉप करते हैं। रसायन संश्लेषी, रसायन स्वापोषी, और जानते हो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहाँ सनलाइट पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर अगर कोई प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप है तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, कीमोटोट्रॉप, जो नीट 2016 में भी क्वेश्चन आया। और कुछ बैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेटिक बट नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप में भी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया सेफ्रोट्रॉप्स होते हैं, सम आर पैरासाइट, जो होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं फिर लेते हैं, और कुछ आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी होते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, प्रोटिस्टा से भी ज़्यादा एक एक्स्ट्रा कीमोसिंथेटिक कीमोटोट्रॉप्स, तो इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर शो करता है तो मोनेरा करते हैं। और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा मैंने आपको बताया था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया,
बट द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा आर बैक्टीरिया। जानते हो मोनेरा के प्रमुख सदस्य जीवाणु, आपके एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से आपको बैक्टीरिया स्टार्ट कर रखा 18 पेज नंबर पे। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस गिवन डायग्राम। ये पहले भी आ चुका, आप जानते हैं कि ये हेट्रोसिस्ट की बात होती है, लेकिन ऑप्शन में अलग वे में दिए गए हैं। हेट्रोसिस्ट है ये म्यूसिलेज, जिन्हें सीतका आवरण, बट ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बेटा यहाँ पर देखिएगा, ए सेल्स विथ क्लोरोफिल ए बी, और बी सेल विथ नो नाइट्रोजन, नहीं, ए सेल विथ नाइट्रोजनस एक्टिविटी, बी सेल विथ क्लोरोफिल ना, ए सेल फिक्स सी ओ टू, क्योंकि वेजिटेटिव सेल्स होती है फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रॉप्स होती हैं, तो ए सेल्स फिक्स सी ओ टू, सेल्स विथ थिक सेल वॉल, ये बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर आपका थर्ड ही होगा, क्योंकि ये हेट्रोसिस्ट थिक वॉल्ड और ओ टू के लिए इम्प्रेमेबल है, एन टू के लिए प्रिमेबल है। नाइट्रोजनेज है तो एन टू फिक्सेशन को परफॉर्म करती है, और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर जो नाइट्रोजनेज की एनारोबिक कंडीशन में, तो आपको मैंने बताई दिया, तो आपका आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनना है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप मोनेरा, वही बात, अत्यधिक पोषण विविधता मोनेरा में, अभी आप मैंने आपको क्लियर कर दी, करेक्ट है। टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड, बिल्कुल करेक्ट है। और आप जानते हैं कि द गर्ड्स ऑफ कैटल पोजेस मिथेनोजन्स, मवेशियों के अम्मा से मिथेनोजन पाए जाते हैं, सही है। और आप जानते हैं बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा, बिल्कुल रॉन्ग। किंगडम मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन करेक्टर ये है कि न्यूक्लियर एनवलप का एब्सेंस, अर्थ के ऊपर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप इज द लैंडमार्क साइन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। जैव उद्विकास में ये बहुत बड़ा साइन था, न्यूक्लियर एनवलप अगर एब्सेंस है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। और अर्थ पे सेल की दो ही ब्रॉड कैटेगरी होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो आप समझते हैं क्वेश्चन 4 आपका हो गया आंसर, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को लेना है, 3 राइट है, 1 रॉन्ग है। क्वेश्चंस को बहुत तरीके से आपको करना हल, एक एक लाइन पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन करना है, यस मेरे बेटू, और बहुत मस्त रहना है। 72 इनटू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो जगत वर्गीय तंत्र में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, ये गलत हो गया, क्योंकि टू किंगडम की डीमेरिट क्या थी, सारी डीमेरिट सुन लें आप। फर्स्ट डीमेरिट थी, इट नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभेदन नहीं हो पाया था। फिर दोनों ही किंगडम में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ रखा गया था, ठीक है। और थर्ड, आप जानते हो कि फंजाई जो हेटरोट्रॉप था उसको ऑटोट्रॉप एल्गी के साथ में, जबकि उसमें सेल वॉल का भी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन था। ये तीन बड़ी डीमेरिट थी, और ये 5 किंगडम में तीनों डीमेरिट दूर हो पाई। आप जानते हैं बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेज, फॉर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटी। हाँ, वहाँ दो ही किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। फर्स्ट बेसिस था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड थे, किंगडम प्लांटी में इंक्लूड थे, और बाकी हेटरोट्रॉप एनिमल थे, यस। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोग्रा वर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। आप जानते हो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोग्रा एक ही ग्रुप में थे टू किंगडम के अकॉर्डिंग, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखा गया है, यस। और ग्रीन एल्गी एंड फंजाई वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, तो आप समझ सकते हैं नहीं, ये भी एक ही ग्रुप में थे। यहाँ पर आप जानते कि टू किंगडम में आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। देखिएगा बेटा, अर्लियर क्लासिफिकेशन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आज अपन जिसको कहते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी यानी प्लांट में ही था, फंजाई बैक्टीरिया जिनमें भी सलवाल है वो सारे किस्में थे प्लांट्स में थे, यस। और ये क्लेमाडोनास, स्पायरोगारा, ये सारे सब चाहे यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर प्लांट, वो प्लांट में ही थे। और हेटरोट्रॉप जो आप जानते हैं कि इंजेस्टिव न्यूट्रिशन करते हैं वो आपके किस्में थे एनिमल्स में थे, बट जैसे ही 3 किंगडम आया तो यूनिसेलुलर फॉर्म अलग हुए, फिर 4 किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल्स अलग हो गई, डिफरेंट हो गई या सेपरेट ग्रुप यानी मोनेरा में इंक्लूड हो गए, फिर प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गए, फिर 5 किंगडम आया तो फंजाई रिमूव फ्रॉम प्लांटी और एक यूनिक किंगडम बन गया जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का था नॉन क्लोरोफिलस का, तो फंजाई को एक नया जगत बनाया गया था 5 किंगडम के अंदर। बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सेकंड होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 73 मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम दोज इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प आपको चयन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ये है हर्बेरियम,
पादप है, जो हर्बेरियम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर्बेरियम में क्या होता है बेटा, ओनली प्लांट स्पेसिमेन होते हैं। प्लांट स्पेसिमेन को पहले प्रेशर किया जाता है, दबाया जाता है, सुखाया जाता है, ड्राइड किया जाता है और फिर एक कागज़ की सीट पे लेबलिंग कर दी जाती है, फिक्स कर दिया जाता है पॉइजनिंग करके। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको कॉलम फर्स्ट को सेकंड से आपको मैच करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ए में आपका क्या होगा, थर्ड, ए में थर्ड होगा, इट इज ए प्लेस वेयर ड्राइड प्रेसर्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर कैप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक प्लांट स्पेसिमेन लेते हैं, उसमें फुली ग्रोन लीव्स लेते हैं, उसको कागज से फिक्स, उसको पहले दबाते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको पॉइजनिंग करते हैं, एजी सील टू सीवियर माउंटेड करके उसको फिक्स कर देते हैं। तो ए में आपका थर्ड है। फिर देखिएगा बी में फोर, तो की मैंने आपको बताया कि ए बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। तो बी में आपका क्या हो जाएगा, फोर। फिर अपन बात करेंगे कि सी में देखिएगा फर्स्ट, इट इज ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल म्यूजियम संग्रहालय, जहाँ फॉर्मेलिन में कंटेनर जार में फॉर्मेलिन भर के उसमें परीक्षित कर डुबो के रखा जाता है। ये आपके बात होगी कैटलॉग, और कैटलॉग के आपके यहाँ पर सेकंड बच गए, लिस्ट दैट एनुमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आप जानते हो किसी भी होटल में आप जाते हो, कहीं पर जाते हो, आपको कैटलॉग दिखाया जाता है कि वहाँ का मेन्यू क्या है, कैटलॉग आपको दिखाया जाता है, क्लियर। पहले स्टार्टर क्या है, मेन कोर्स कैसे, खाने का वो अलग अलग होता है, नाश्ते का और मेन खाने का ऐसे, तो सब चीज़ें आपको बताई जाती है। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, एग्जाम का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, निम्न में से कौन दो जगत वर्गीय कमियाँ से संबंधित नहीं। कमियाँ क्या थी, नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट यूकेरियोट, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में विभेदन नहीं हो पाया था, एकोस के बहुकोस के दोनों ही जगतों में साथ साथ थे, और फंजाई विषमपोषी होते हुए भी स्वपोषियों के साथ रखे गए थे, ये डीमेरिट थी। कौन सी डीमेरिट नहीं है, इट इज नॉट डिस्टिंग्विश यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट, ये तो डीमेरिट है। इट इज नॉट डिफ्रेंशिएट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, डीमेरिट है। इट इज नॉट डिफ्रेंशिएट फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, ये भी डीमेरिट है, ठीक है। इट डिवाइडेड एनिमल इंटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ये गलत बात, ये डिमेरिट नहीं है। ये जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो समूहों में, ऐसा है ही नहीं दो जगत के अंदर, क्लियर। ये तो आप जानते हो कि अरस्तु ने ऐसा किया था, तो आप समझ सकते हैं बड़ा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फोर। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 75, विच स्टेटमेंट आर राइट इन रेफरेंस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण के संदर्भ में कौन से कथन सही है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फाइव किंगडम का जो आपको टेबल दे रखा है, पहले फर्स्ट चैप्टर में आपको जो बायोलॉजिकल एम का टेबल दे रखा है, और ये आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन के आसपास से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। आप खुश रहना सीखें, सुबह 5:30 में उठें, बिल्कुल अपने आप को होम पे ध्यान करें, प्राणायाम करें, और बिल्कुल 11-12 बजे तक पढ़ें, प्रॉब्लम पूछें, टीचर के टच में रहें, और फिर लग जाएं स्टडी के ऊपर। संडे के मेजर को ध्यान रखें, कि मेजर में आपके मार्क्स इंक्रीजिंग में जाने चाहिए, आपके 500 मार्क्स क्यों ना आए, लास्ट मेजर तक इंक्रीजिंग ले जाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हर काम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते रहना, मस्त रहना बेटा। 2021 में आपको रैंक ठोकनी है। नॉर्मल क्वेश्चन आपका है, देखेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंक्लूड इन मैन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। न्यू किंगडम फंजाइज फॉर्म व्हेन, कंसिडर्ड कैरेक्टर लाइक न्यूट्रिशन एंड सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ फंजाई, नए जगत कवक का निर्माण जब कवक से कुछ लक्षणों जैसे कि पोषण और कोशिका भित्तिक संगठन को ध्यान में रखा, मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोट आर इंक्लूड इन वन किंगडम एंड टू किंगडम रेस्पेक्टिवली, एक उसके जीव तथा प्रोकैरियोट कर्म से एक जगत तथा दो जगतों में सम्मिलित हुए, ऐसा नहीं था, आप समझ रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर ए और बी आपसे पूछा राइट स्टेटमेंट, देखिएगा वैसे तो फंजाई या फाइव किंगडम का अगर आपसे पूछा जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी के बेस से फंजाई रिमूव हुए थे। लेकिन फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मेन क्राइटेरिया में ही, तो आप समझते दो करेक्ट हैं, ये करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ भी मतलब नहीं है, तो आप समझ सकते हैं आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट्स कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव एंड बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड इमीडिएट आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, निम्न से कौन से प्रोकैरियोट सबसे प्राचीन है। प्रोकैरियोट में जो सबसे प्राचीन आर्किबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल अर्थ के ऊपर, और आप जानते हैं इतने पुराने सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे अपीयर हुए और अपने प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ आज भी प्रेजेंट है, इसलिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है और ये आपके हैं आर्किबैक्टीरिया, क्लियर है। मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया, सबसे प्राचीनतम जीवाणु का समूह, ओल्डेस्ट, क्लियर। आप नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, मिथेनोजन क्या है भाई।
प्रेजेंट इन गर्ड्स ऑफ सेवरल एनिमल लाइक मंकी एंड फिश, गलत बात। मिथेनोजन है ना, कैटल जो मवेशी होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके रुमेन अमाशय में होते हैं। तो यहाँ ये बंदर मछली की बात ही नहीं कर पाएंगे। फिर आप समझ सकते हो ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट, वो अविकल्पीय वायु होते हैं, स्ट्रिक्टली एनारोब्स होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और आपको भी पता है कि एनारोबिक कंडीशन उन्होंने मिथेन को प्रोड्यूस किया था, और प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम काउडंग एंड बायोगैस कंटेन मोस्टली प्रोपेन गैस, गलत बात। हाँ, काउडंग से गोबर गैस या बायोगैस फॉर्म करते हैं वो, क्योंकि उनके रुमेन में रुमेनोकोकस है, और जैसे ही वो अपना एक्सक्रीटा, अपना उत्सर्जित पदार्थ त्यागते हैं तो गोबर में ही आ जाते हैं। उनकी सदरी बनाकर उनको अगर एनारोबिक कंडीशन दी जाए डाइजेस्टिव टैंक में तो बायोगैस बनेगी, बट उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूट है वो प्रोपेन नहीं है, मेथेन है, मिथेन है, ठीक है। मिथेनोजन इंक्लूड ओनली मिथेनोबैक्टीरियम, क्यों भाई, मिथेनोजन में मिथेनोबैक्टीरियम है, मिथेनोकोकस है, रुमेनोकोकस है, इसलिए ओनली वर्ड के कारण गलत हो गया। तो देखिएगा, ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, सही कौन सा, सेकंड, आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनो भाई, क्लियर है। तो देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपकी तैयार हो रही है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, करेक्ट है। ईस्ट एकोस के कवकों का समूह है, 900 जातियां हैं, और ईस्ट शुगर फंजाई है, फर्मेंटेशन फंजाई है। एल्कोहलिक इंडस्ट्री यानी बीवर्स इंडस्ट्री और बेकर यानी बेकरी इंडस्ट्री का फाउंडर है ईस्ट, ठीक है ना। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो कई बार आपके क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, ये भी करेक्ट है। पेनिसिलियम फिलामेंटस है, बहुकोशिकीय है, और पेनिसिलियम एस्कोमाइसिस रिलेटेड है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुई थी। न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल सही है। बायोकेमिकल जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा यूज हुआ, तभी तो इस पर वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट दिया गया, और उसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और मोरल्स एंड ट्रफल आर पॉइजनस मशरूम, पहली बात तो ये मशरूम नहीं है, ये दोनों एगेरिकस सॉरी मशरूम नहीं है, ये दोनों आप एस्कोमाइसिटी से रिलेटेड है। मोरकेला जो है एडिबल फंजाई है, तो ये पॉइजनस मशरूम नहीं हो सकती, करेक्ट। इनकरेक्ट आपका हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, 4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, डायटमेसिस अर्थ हैज ऑल गिवन फीचर एक्सेप्ट, डायटमी मृदा किस एक को छोड़कर सभी लक्षण रखती है। आप जानते हो क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक, नॉन मोटाइल, और उनके अंदर लो वेट लिपिड होता है, इससे वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, और सरफेस पे फ्लोट करते तो मैक्सिमम सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सी, समुद्र के मुख्य उत्पादक, कई बार क्वेश्चन आपका आ गया नीट के अंदर। और आप समझ सकते हैं कि साबुनदानी की तरह उनकी सेल स्ट्रक्चर होती है, सिलिका पार्टिकल होते हैं, सिलिकेसिस सेल, ग्रिटी कणिका में खुरदरी होती है, जब वो डेथ हो जाती है लेकिन उनकी सेल वॉल इनडेस्ट्रक्टेबल, वो डेस्ट्रक्ट नहीं होती है, लगातार समुद्र के पैन में डिपोजिशन होकर डायटमस सोइल बनती जाती है। तो देखिए ग्रिटी नेचर की होती है, सही है। यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल यानी दवाओं के और तेल के निस्यंदन में, सही है। यूज फॉर मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम, बिल्कुल सही है, यानी आप जानते हो साउंड प्रूफ या फायर प्रूफ या ऐसे बनाने होते हैं, तो ये यूज होता है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में, यूज होता है। गोबर यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ये गलत है, बायोगैस प्रोडक्शन इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, रेड सी एंड रेड टाइड रेस्पेक्टिवली कॉज्ड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, एक तो जानते हो कि जो बीजी होते हैं, तो बीजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने ये भी कहा था कि इनमें एक तो क्लोरोफिल ए जो ग्रीन के लिए, बट डोमिनेंट आपका होता है सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, तो सी फाइकोसाइनिन का एक्सेस होता है तो ये ब्लू अपीयर होते हैं, तो फिर आपके होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। बट आप जानते हो जब ये फ्रेश वाटर में या सरफेस की होते हैं तभी ये बात होती है, जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं तो गोडिको इफेक्ट होता है रेड एल्गी में, इनमें भी रेड एल्गी जनरली थोड़े से डेप्थ पे पाए जाते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं तो इनमें किसका अमाउंट बढ़ता है, आर फाइकोरिथ्रिन, तो आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोरिथ्रिन, और आर फाइकोरिथ्रिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए। तो ट्राइकोडेसमियम एक ऐसा बीजी है जो सी वाटर में रहता है, मतलब मैरन फॉर्म में है, और वो थोड़ा डेप्थ पे है, तो वहाँ फाइकोरिथ्रिन ज़्यादा है, और फाइकोरिथ्रिन ज़्यादा है सी फाइकोरिथ्रिन, तो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ ट्राइकोडेसमियम तो बीजी है जो रेड सी, लाल सागर का लाल रंग, ट्राइकोडेसमियम, यस ये आ गया ट्राइकोडेसमियम। और गोनियोलेक्स आप जानते हैं डायनोफ्लेजलेट्स है, रैपिड रिविजन करके आप जानते हैं कि ओशंस में या सी में रेड टाइड्स, लाल ज्वार उत्पन्न कर देता है, तो आंसर यहां पर थर्ड होगा,
क्योंकि यहाँ ये तो सही है बट ये रॉन्ग है, और यहाँ आप समझ सकते हैं कि डायनोफ्लेजेट फिर भी कंसिडर कर सकते हैं बट ये नहीं हो सकता, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा के सदस्य हैं, तो दे आर प्राइमरली एक्वेटिक, प्राथमिक रूप से जलीय, जायगोट फॉर्मेशन अकर, प्राथमिक रूप से जलीय और युग्मनज निर्माण, फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, गैमेट का फ्यूजन हुआ या सेल्स का फ्यूजन हुआ तो जायगोट फॉर्म हुआ, ये करेक्ट है, और आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। आप समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल में फ्यूजन कभी नहीं होता है, एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल प्रोसेस होती है, एक जनकीय प्रक्रम होता है, तो जन्मी संतति क्लोन होती है तो ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सो ओनली फोटोसिंथेटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये भी गलत हो गया भाई, फोटोसिंथेटिक भी हैं वो, पैरासिटिक भी हैं, प्रीडेटर भी हैं, क्लियर, तो आप समझ सकते हैं कि ये बात गलत हो गई। या प्रोटिस्ट डीकम्पोजर स्लाइम मोल्ड भी हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंडोस्पोर दैट आर पैरासिटिक ऑन ह्यूमन, अधिकांश जीव अंतःबीजाणु उत्पन्न करते हैं जो मनुष्य पर परजीवी होते हैं, ये भी गलत बात हो गई प्रोटिस्टा के लिए, यस बेटू, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, तो बचा क्या भाई, फर्स्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा 82 क्वेश्चन, स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड, अवपंक के जीवाणु, तो ध्यान दीजिएगा, पोसेस टू सेल वॉल ऑफ काइटिन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिएगा इसकी दो फॉर्म होती है, ए सेलुलर, तो ए सेलुलर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है, इसे स्लाइमी मास होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम, और सेलुलर सेलुलर सूडोप्लाज्मोडियम अमीबोइड, तो इस फॉर्म में ये होता है, ठीक है ना, ऐसे स्लाइमी मास ये आपका फॉर्म होता है, क्लियर। तो जब ये वेजिटेटिव स्टेज में, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आते हैं तो स्पोर पे ट्रू सेल वॉल होती है, वेजिटेटिव स्टेज पे सेल वॉल एब्सेंट होती है कायिक अवस्था पे, तो फिर वहाँ ट्रू सेल वॉल होती है, तो एक में काइटिन की होती है, एक में सेलुलोजिक होती है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओनली ये नहीं कर सकते, आर नॉट हाईली रेजिस्टेंस, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, आर सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें जो स्पोर होते हैं ना वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, प्लाज्मोडियम फेवरेबल में, बट प्लाज्मोडियम पे फिर फ्रूटिंग बॉडी और फिर स्पोरेंजिया में स्पोर, वो आपके अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। यस मेरे राजा बेटा रानी बेटी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करता हूँ 83, प्रोटोजोन्स आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑल ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स सभी जीवों के प्राचीन संबंधी माने जाते हैं, गलत बात, प्रोटोजोन ओनली एनिमल्स के, मल्टीसेलुलर एनिमल, बहुकोश के एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन और प्रोटोजोन से ही मल्टीसेलुलर एनिमल इवोल्व हुए, है ना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म आने से ये गलत हो गया, ठीक है। मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, बिल्कुल सही है, रेडियो ऑलरेंस होते हैं कुछ अमीबॉइड फॉर्म में होते हैं, जिनपे सिलिका का कवच होता है, आवरण होता है। ट्रिफेनोसोमा हैव फ्लैजिला, बिल्कुल करेक्ट है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ट्रिफेनोसोमा, जो आप समझ सकते हैं कि ट्रिफेनोसोमा क्रूजाई, है ना, क्लाज, मतलब आप समझ सकते हैं अच्छे से, ये स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु रोग करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ये गलत बात है, क्लियर, क्योंकि ये तो स्पोरोजोन का करेक्टर है, किसका करेक्टर है बताओ, स्पोरोजोन का। तो देखिएगा यहाँ पर ये फेल्स हो गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फेल्स है, अब देखिएगा कि यहाँ ये ऑप्शन बैठता है येलो, तो सेकेंड आंसर आपका हो गया, क्लियर, हाँ यहाँ ओल आ गया ना, इसलिए ये फॉल्स हो गया, और ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यस मेरे राजा बेटा, देखिए नेक्स्ट, और यहाँ से क्वेश्चन 2018-19 में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। 84, विच ऑफ द मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर, प्रकृति में सर्वाधिक या सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने जीवाणु न्यूट्रिशन के हिसाब से हेटरोट्रॉफ्स होंगे, और कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा थर्ड आंसर, बता दिया पहले। क्वेश्चन नंबर 85, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, देखिए बेटा कि मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी फंजाई शो करते हैं, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन ही फर्स्ट बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, तो माइसीलियम की आकार की, ठीक है। अब देखिएगा कि सेल फंगल सेल ऑर्गेनाइज हुई फंगल हाइपी, फंगल हाइपी का नेटवर्क क्या होता है, माइसीलियम होता है, तो जो फंगल हाइपी है, फंगल हाइपी आप समझ सकते हैं कि अगर मैनी सेल्स अटैच हुई और मैनी सेल जुड़ गई, ज्वाइन होती गई, बट सेप्टा फॉर्म नहीं हुए,
तो आपने देखा है कि एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट एज ए कंटिन्यूस ट्यूब सतत नलिका की तरह एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, और ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसाइटिक साइकोसिस, क्योंकि यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मैनी सेल के ज्वाइन होने से, अनेकों सेल के जुड़ने से बनी। फिर आप अच्छे से जानते हो कि भाई जो सेप्टेट फंजाई होते हैं तो वहाँ सिंपल सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट होता है। फिर आप जानते हो एस्कोमेसिविर बेसिडियो में क्लैम्प कनेक्शन होते हैं, डोलीफोर सेप्टम होते हैं, फिर डाइकेरियोटिक हो जाता है। ये सारा आप समझ सकते हो किसमें, फंजाई में। तो ये फंजाई आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए 86, चूज करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू फंजाई, कवक के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड कंसिस्ट मैनी सेलोजिक सेल वॉल। आप जानते कवक विश्वव्यापी, ये सही है, बट मुख्यतः सेलोजिक उसका भी, ये गलत बात है। केवल ओमाइसिटीज में सेलोजिक सेल वॉल होती है, बाकी सारे कवकों में सेल वॉल काइटिन की होती है, आप समझ रहे हैं। और काइटिन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड का ही पॉलीमर है, एनएसएल ग्लूकासामिन। फंजाई आर हेटरोट्रॉप, ये 100% है, ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉप विदाउट एक्सेप्शन, क्योंकि फंगल सेल में सेल वॉल है मेनली काइटिन और पॉलीसेकेराइड, एक्सेप्शन ओमाइसिटीज सेलोजिक, बट आप जानते हो प्लास्टिड 100% एब्सेंट, ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉप विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप जानते हो मोस्टली दे सेप्रोट्रॉप हैं, कुछ पैरासाइट फॉर्म हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म है, बट सारे हेटरोट्रॉप हैं, तो ये सेकंड करेक्ट है। बाकी फंजाई क्लासिफाई इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं, पहले माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ मेन बेसिस ही मॉर्फोलॉजी माइसिलियम है, कवक जाल के आकार की है। तो ये रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, ईस्ट तो भाई यूनिसेलुलर होता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, कवक के जीवन चक्र में अवस्थाओं का सही क्रम बताओ। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि फंगल सेल्स हैप्लोइड होती हैं, और हैप्लोइड होती हैं तो ये भी क्या शो करती हैं, जायगोटिक मियोसिस। अब जायगोटिक मियोसिस शो करती हैं तो हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट या सेक्स सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल फ्यूज होंगी, और सेल के फ्यूजन होने से ये वॉल डिग्रेड होकर यहाँ प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, और यहाँ आपकी कंडीशन आ जाएगी डाइकेरियन। तो दो टाइप के यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएंगे, एन प्लस एन, तो ये डाइकेरियन, ठीक है। फिर आप जानते हो कि कैरियोगेमी होगी, फिर आपका मियोसिस होगा, जब 2N स्ट्रक्चर हो, फिर साइट ऑफ मियोसिस 2N स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे ऊस्पोर है, जाइगोस्पोर है, ये 2N है, एज ए जाइगोट दे आर साइट ऑफ मियोसिस, फिर हैप्लोइड स्पोर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा कि प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, ठीक है, फिर मियोसिस आपका, ठीक है। तो यहाँ सी, सी के बाद ए, और फिर आप जानते हो कि बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस ऑफ युगलिना, युगलिना के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा बेटा कि युगलिना डे टाइम में फोटोसिंथेटिक है, बट डायटमो डायनोफेजिक की तरह सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल लेस है बट पेलिकल है, एक पतली प्रोटीन की परत है, थिन प्रोटीनेसिस लेयर है, पेलिकल, और पिगमेंट हायर प्लांट की तरह है, क्लोरोफिल ए और बी, पैरामाइलम कार्बोहाइड्रेट। युगलिना इज ए बायोफ्लेजिलेटेड प्रोटिस्ट, हाँ फ्लेजिला दो है बट वन रिड्यूस्ड, फंक्शनल एक ही होता है, फाउंड इन स्टेग्नेट वाटर, ठहरे हुए जल में होते हैं, ये भी करेक्ट है। पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, ये करेक्ट है, दे आर मोस्टली मैराइन प्रोटिस्ट, ये गलत है, मैराइन नहीं हो, फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में भी ठहरे हुए जल में, तालाब झील में पाए जाते हैं, ये बहुत अच्छा एनसीईआरटी की लाइन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ए पर्सन स्टडी ऑर्गेनिज्म विच हैज फॉलोइंग फीचर ऑर्गेनिज्म में भी, एक व्यक्ति एक जीव का अध्ययन करता है जो निम्नलिखित गुण रखता है ना, क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर बॉडी, एक कोशिकी है, सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूकैरियोटिक संगठन हो गया, बाइफ्लेजिलेटेड, वन फ्लेजिलम लाइंग लॉन्गिट्यूडिनली और वन इज ट्रांसवर्स। तो देखिएगा ये फॉर्म हो गई, यहाँ ये स्टिप सेलोजिक वाल, सेलोज की कड़ी पट्टिकाएं हैं, और आप जानते हैं कि एक फ्रो यहाँ ऐसे बनती है, ये बनती है सिंगुलम, और एक फ्रो ये बनती है सल्कस, तो ये डायनोफ्लेजलेट्स हो गए, डायनोफ्लेजलेट्स। डायनोफ्लेजलेट्स में आप समझ सकते हैं कि ये एक फ्रो यहाँ बनती है, उसमें ये ट्रांसवर्स फ्लेजिलम होता है, ट्रांसवर्स फ्लेजिलम होता है, और एक आप जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है, स्पिनिंग मूवमेंट करते हैं, विरलिंग वेव्स,
तो ये सारे कैरेक्टर डायनोफ्लेजेट्स में गोनियोलक्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो क्वेश्चन आपका है 90, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है, सही को अपन को चुनना है, करेक्ट को अपन को चुनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्बेरियम इज ए सीट ऑन विच ड्राइड एंड प्रेसर्ड प्लांट स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड। हार्बेरियम सीट है जिस पर सुखाकर दबाकर पादप नमूनों को परिरक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही है। कागज की एक सीट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्लांट स्पेसिमेन के फॉर्म में फुली ग्रोन लीव्स या इनफ्लोरेंस इसको अपन प्रेसर करते हैं, दबाते हैं, सुखाते हैं, फिर यहाँ पर उसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया, उसकी पॉइजनिंग कर देते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2 से। फिर यहाँ आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड यहाँ कॉर्नर पे ये लेबलिंग पूरा फैमिली नाम, बॉटनिकल नेम और जो भी हैबिटेट जहाँ से उसको लिया है, किस हर्बेरिया में उसको रखा गया, नेम ऑफ हर्बेरिया, ऑथर या जो भी लेखक है उसका अपन नाम लिख देते हैं, बट हाइट है, कलर, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये अच्छा क्वेश्चन आपका आया था। और हर्बेरियम सीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। इन हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमन आर पॉइजन बाई HgCl2, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट आपके हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4। यस, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत NCERT की स्टेटमेंट है, ईजी वे में आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, और क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम। जैविक संग्रहालय के संदर्भ में निम्न खतरों को आपको पढ़ना है। देखिए मेरे बेटू, आप समझ सकते हैं कि म्यूजियम के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पादप और जंतु प्रादसों को अध्ययन और संदर्भ के लिए प्रक्षित किया जाता है, बिल्कुल सही। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, यानी फ्यूचर टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए उनको रखा जाता है। कंटेनर या जार में जो फॉर्मेलिन का घोल होता है उसमें डेड एनिमल मेनली और लोअर प्लांट जो डेड हो उनको डुबो के रखा जाता है। और इंसेक्ट को भी पहले आप जानते हो कि किलिंग मारकर पिनिंग करके और उन डिजोल्व करके उनमें रखा जाता है, वहाँ पर उस पर लेबलिंग लगा दी जाती है। जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज एंड स्कूल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओनली डेड बॉडी ऑफ एनिमल आर प्रिजर्व्ड, केवल जंतुओं के मर्द शरीर को ही, प्लांट का भी, लोअर प्लांट का लिया जाता है ना। यस, तो ये नहीं होगा, ओनली वर्ड आ गया इसलिए नहीं होगा। स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू बी कैप्ट इन म्यूजियम, ये भी गलत बात होगी, क्योंकि मैमल्स के स्केलेटन कंकाल को भी रखा जाता है और जो फॉसिल्स मिल जाते हैं तो उनको भी रखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी बात आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स बिफोर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ऐसा करने से पहले नहीं, ऐसा करने के बाद होता है। यस, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो आपका करेक्ट है, और ओनली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपसे बोला है कि आपसे क्या कहा है, यहाँ पर पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट आपको बताना है जो गलत है। तो गलत यहाँ पर आप देखो कि थर्ड भी है, फोर्थ भी, और क्या है, फिफ्थ भी है, ठीक है ना। नॉट करेक्ट पे आप जाना है ना, ये देखिएगा कि यहाँ आपको सत्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पे आपको जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, टैक्सोनॉमिकल की आर जनरली एनालिटिकली नेचर होती है, विश्लेषणात्मक होती है और बेस्ड ऑन सिमिलर या कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आपके होते हैं, जनरली इन पेयर कॉपुलेट, ये सारी बात आपकी होती है। तो आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर हो थर्ड हो जाएगा, एनालिटिकल, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, कॉपुलेट, ये सीधा आपको NCERT की लाइन दी गई है। यस, क्योंकि देखो विश्लेषण करते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट की होती है, कॉन्ट्रास्टिंग यानी विप्रियसी लक्षणों का एक युग्म होता है, एक पेयर होता है, इस पर ये सिमिलर और अदर से डिसिमिलर, तो ग्रुपिंग हो गई ना, और फिर आप जानते हैं कि उसका सिंगल आपका लीड कहलाता है। तो ये बहुत अच्छा आंसर आपका हो गया थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट। भाई देखो, जैविक नाम है ना, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, दो वर्ड से बना है। फर्स्ट जेनेरिक नेम जो नाउन है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट जो एडजेक्टिव है। जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज को करता है। ऑथर का नाम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, अगर वो प्रिंट है तो इटैलिक में है, और इफ दे हैंड रिटन देन सेपरेटली अंडरलाइंड, तो पृथक पृथक रूप से रेखांकित है। ये उनकी लैटिन ओरिजिन को शो करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है, देयर लैटिन ओरिजिन, और ये आप समझते हैं एग्जाम का क्वेश्चन है, आप समझते हैं थर्ड आंसर आपका हो गया, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94,
स्पीसीज इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर जाति क्या है भी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और अप्रोक्सीमेटली सिमिलर समान और लगभग समान जीवों का समूह विच कैन इंटरब्रीड जो आपस में अंतर्विभाजन कर सके एंड प्रोड्यूस न्यू वायबल ऑफस्प्रिंग और नई प्रजनन से संतान पैदा कर सके उसको आप कहते हो टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। और आप जानते हैं द बेस्ट करेक्टर टू डिफाइन स्पीसीज दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जन्नात्मक फर्तकरण बायोलॉजिकल कंसेप्ट गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर 2016 का क्वेश्चन है। यस, तो यहां अपन बात करते हैं कि इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आंसर आपका क्या हो जाएगा थर्ड। देखिएगा कि इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस इनफर्टाइल ये नहीं हो सकता, नॉट इंटरब्रीड ये पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ये भी नहीं हो सकता, थर्ड आंसर आपका सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, किंगडम फंजाई इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच आर, भाई किंगडम फंजाई में यूनिक किंगडम है, कंप्लीटली हेटरोट्रॉफिक है, नॉन क्लोरोफिलस है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, हेटरोट्रॉफिक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है ईस्ट को छोड़कर, और स्पोर प्रोड्यूसिंग अपने लाइफ साइकिल में जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स करते हैं तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल में भी स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु के लिए कितने खतन सही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नॉस्टोक एंड एनाबीना आर मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया कंटेंट टू एंटीरियर फ्लैजिला, साइनोबैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होती नहीं है, तो रॉन्ग है। दे हैव म्यूसिलेजन सीथ ऑन आउटर सरफेस ऑफ ट्राइकोम, सही है, मैंने आपको एनाबीना नॉस्टोक दिखाया है, वहां पर स्लेसमी आच्छद या म्यूसिलेजिनेसिस सीथ आपको बताया है। दे प्ले ग्रेट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पेडीफील्ड, जानते हो चावल के खेत के अंदर एजोला फर्न होता है, एक्वाटिक फर्न, और एजोला के लीव्स में एनाबीना एजोली सिम्बायोटिक फॉर्म में होता है, तो वो एंटोफिक्सर है क्योंकि यहाँ हेट्रोसिस्ट में निप जीन है, तो ये भी आपका सही है। तो देखिएगा मेरे राजा बेटा रानी बेटी, यहाँ पर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इट मीन आप जानते हैं कि सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा थ्री, आपकी स्टेटमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97, सेलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो, देखिए नीचे दिए गए खतरों में सही और गलत को आपको अलग अलग चुनना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली एब्सेंट इन बेसिडियो, बिल्कुल सही है कि बेसिडियोमाइसिटिस में, देखो बेटा तरीके से आप याद करें, एसेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटिस दो मेन सब क्लास है, ओमाइसिटिस में जू स्पोर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर, जाइगोमाइसिटिस में नॉन मोटाइल एप्लेनो स्पोर स्पोर एंजियोस्पोर, बट चाहे मोटाइल हो और चाहे नॉन मोटाइल हो, बोथ आर एंडोजिनस इन ओरिजिन, यानी इनसाइड स्पोरेंजिया दोनों की ओरिजिन एंडोजिनस होगी। और कोनिडिया जो एसेक्सुअल स्पोर है, एस्को के एस्कोमाइसिटिस क्लास के कोनिडिया मैन एसेक्सुअल स्पोर हैं, तो वो एक्जोजिनस इन ओरिजिन है और बेसिडियो में किसी भी टाइप के एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ए स्टेटमेंट करेक्ट है, एट एस्कोस्पोर आर एक्जोजिनसली प्रिपेयर्ड इन एस्कोमाइसिटिस, गलत बात। इनसाइड एस्कस, देखो एस्को में एसेक्सुअल स्पोर एक्जोजिनस होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल होते हैं एस्कोस्पोर वो एंडोजिनस होते हैं इनसाइड एस्कस, तभी तो आप सेक फंजाई थैली कवक कहते हो, तो गलत होगा इसके कारण, या एंडोजिनसली होता। बोथ एस्को एंड बेसिडियो हैव डाइकेरियन, ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में सोमेटोगेमी होती है, वेजिटेटिव सेल जैसे फ्यूज होती है वॉल डिग्रेड होती है, डाइकेरियन डाइकेरियोटिक सेल हो जाती है, फिर कई देर तक कैरियोगेमी डिले हो जाती है, फिर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता तो कैरियोगेमी, देन एस्कस में मियोसिस और वहाँ बेसिडियम में, बट एस्कोस्पोर एंडोजिनसली अरेंज होते हैं, वो बेसिडियो एक्जोजिनसली होते हैं, बट ये आपका करेक्ट है। सीनोसाइटिक कंडीशन एंड जू स्पोर फॉर्मेशन इज ए करेक्ट ऑफ फाइको, ये भी करेक्ट है, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस के अंदर आप जानते हो कि सीनोसाइटिक एसेप्टेट आपका होता है। और ये देखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय ऊ स्पोर, ये गलत बात होगी, सेक्सुअल की बात है ये, सेक्सुअल की। तो यहाँ देखिएगा कि गलत स्टेटमेंट कौन से हैं, बी ई, और करेक्ट कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सेकंड होगा, ए सी डी राइट है, बी ई रॉन्ग है, तो हो गया ना सेकंड आंसर। बोलो नेक्स्ट में लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 98, बैक्टीरियल वायरस, तो बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, और उसमें डीएसडीएनए, जनरली दे हैव डीएसडीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उनमें डीएसडीएनए होता है, तो आर यूजुअली, ऑलवेज नहीं हो सकता, यूजुअली आपका ज्यादा अच्छा है, आंसर सेकंड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 99, इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, तो टीओ डाइनर ने किसको खोजा था, विरोइड, और विरोइड फर्स्ट विरोइड कौन था, पीएसटीवी, जो ओनली प्लांट पर अटैक करते हैं, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड,
और उसमें फ्री SSRNA होता है, SSRNA होता है फ्री वायरॉइड में, और आप समझ सकते हैं कि लो मोलिकुलर वेट कंपैरिजन टू अदर RNA, ये सारी बातें आपकी होती है। स्मॉलर देन वायरस करेक्ट, राइबोन्यूक्लियन प्रोटीन ये गलत, क्योंकि ओनली फ्री SSRNA तो ये गलत, इट इज़ फ्री RNA एंड हैव लो मोलिकुलर वेट करेक्ट, कोज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करेक्ट, रॉन्ग कौन सा हुआ सेकेंड, आंसर आपसे क्या पूछा है एक्सेप्ट, एक को छोड़ना है, किसको छोड़ना है सेकेंड को छोड़ना है, बोलो। क्वेश्चन अपन बात करते हैं 100 सेंचुरी पे अपन आ गए हैं और आपने बहुत अच्छा किया है, तो देखिएगा इन्फेक्शियस एजेंट दैट कोज मैड काउ डिजीज, कैटल इज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वायरस प्रेजेंस ऑफ, आप जानते हैं प्रियोन की बात हो रही है, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है, और प्रियोन आप जानते हैं BSE बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसीफेलोपैथी, और मेडकाउ डिजीज स्क्रैपी डिजीज के लिए होता है, तो वो क्या है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, वो इन्फेक्शन नेचर का है, जबकि जनरली वायरस में तो प्रोटीन का कोट होता है, वो इन्फेक्शन नहीं होता, इनसाइड जो जेनेटिक मटेरियल है आइदर RNA और DNA दोनों में से कोई एक जो है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बाय मीन ऑफ ए फोटोसिंथेसिस अपैरेटस सिमिलर टू द यूकैरियोट्स, सैसिम केंद्रिक से समान प्रकाश संश्लेषी उपकरण के माध्यम से निम्न में से कौन सा जीव ऑक्सीकारी प्रकाशन करता है, इट मीन थाइलेकोइड है, पी ए सेकेंड है, वाटर का फोटोलाइसिस होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बैंगनी गंधक जीवाणु नहीं करेगा, ये तो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये भी नहीं करेगा, ये तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है भाई, साइनोबैक्टीरिया 100% कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, ये मोर देन वन ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो नॉन ऑक्सीजनिक करते हैं भाई, इनमें पीए सेकंड एब्सेंट है, यहाँ वाटर का फोटोलाइसिस होता ही नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप में वाटर है ही नहीं, यहाँ तो H2S या अदर कोई कंपाउंड है इनऑर्गेनिक आप समझ सकते हैं, तो सल्फर या सल्फर का ऑक्साइड रिलीज होगा नॉट O2, तो ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई, तो आंसर थर्ड साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऑक्सी फोटोसिंथेसिस को शो किया, अर्थ के ऊपर एरोबिक लाइफ को स्टार्ट किया था, दैट इज BGA, यस, तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड आंसर। नेक्स्ट अपन लेते हैं 102, चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान को चुनना है, एस्कोमाइसिटीज कोप्रोफिलस बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी एस्कोमाइसिटीज को देनी, कोप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग गोबर पर उगते हैं, सेकंड म्यूकर म्यूसिडो फाइको, यस, और आप जानते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पफ बॉल है, मशरूम है, ये सब यहाँ रिलेटेड है, ओमाइसिटीज काइटेनियस सेलवाल ये गलत है, एकमात्र सब क्लास है फंजाई की जहाँ सेलवोल काइटिन की नहीं है, सेलवोल काइटिन पोलिसेट नहीं है, सेलोजिक सेलवोल है ओमाइसिटीज में एल्बुगो में, तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, जाइगोमाइसिटीज मोस्ट ऑफ सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103, ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट, सभी पादप जंतु कवक सूक्ष्म जीव दर्शाते हैं, देखो सब के सब अगर लिविंग है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन सारे शो नहीं करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो या तो स्टराइल या इनफर्टाइल हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दे दिया ऑल, ठीक है, कॉन्शियसनेस सभी शो करते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी, ग्रोथ भी सभी शो करते हैं, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन शो सब करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा कि ग्रोथ फंडामेंटल करेक्टर है, अर्थ के सभी लिविंग, एक इंडिविजुअल सेल भी लिविंग है तो इनसाइड से ग्रो करेगी, लेकिन वो तो आउटर साइड एक्यूमुलेशन को इंक्रीमेंट इन वेट को अगर आप ग्रोथ कंसिडर करते हो तो फिर तो आप समझ सकते हो कि नॉन लिविंग एक्यूमुलेशन शो कर सकते हैं, इसलिए वो डिफाइनिंग नहीं है, रिप्रोडक्शन ओनली लिविंग ही शो करते हैं, नॉन लिविंग कभी नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन, लेकिन आप जानते हैं कुछ लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं है, इनफर्टाइल या स्टराइल हैं, तो फिर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ, और मेटाबॉलिज्म और ये कॉन्शियसनेस ये सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेल ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स भी सब शो करेंगे, तो यहाँ देखिएगा कि ए फिर सी डी ई ये सब शो करेंगे, ए सी डी ई सेकेंड आंसर हो जाएगा, यस। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 104, फिल अप द ब्लैंक फ्रॉम ए टू एफ, आपको रिक्त स्थानों को भरना है, इन ओमाइसिटीज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज फंजाई एग्जिस्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी लाइकेन माइकोराइजा हायर प्लांट के रूट के साथ, वाइट रेस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बुगो कैंडिडा प्लांट डिजीज विद पैथोजन इज सीन एज ए कोटनी ग्रोथ ऑन सरफेस ऑफ होस्ट, तो आप ये सारी बातें आप अच्छे से देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिएगा ये सेलुलोज लाइकेन माइकोराइजा एल्बुगो कैंडिडा
डाउनी मिल्डवे हो गया, फिर लाइकेन आ गया। यहाँ देखिएगा ये लिटमस किससे आपको मिलता है नेचुरली, जो ब्लू लिटमस वाल, ये लाइकेन से मिलता है, लाइकेन से। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके तैयार कर रहा है ना, क्योंकि उमाई सिटीज में सल्लोज की सलवाल, काउको का सेवाल के साथ लाइकेन, उच्च पादपों की जड़ के साथ माइकोराइजा, सरसों का श्वेत किट एल्बो कैंडिडा, ये पाउडर मिल्डवे जो हो गया प्राकृतिक, उसे लिटमस फिर लाइकेन फिर आ जाएगा। यस बेटा, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, फेलिस प्लस पैंथ्रा। तो फेलिस और पैंथ्रा आपका फेलिडी फैमिली हो जाएगा, सोलेनेसी और कोनोलेसी आप जानते हैं कि ये दो फैमिली, इनका ऑर्डर आपका सेम हो जाएगा और पॉलीमोनियल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फेलिडी फैमिली और पॉलीमोनियल्स होगा। यस, तो 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 106, टू प्लांट शोइंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर वर क्लोज क्रॉस पोलिनेटेड बट आफ्टर द मेटिंग प्रोजेनी फॉर्मेशन वॉज एबसेंट सो देर प्लांट। भाई देखो, दो प्लांट आपको एक समान दिख सकते हैं, जब कायिक अवस्था में होंगे, वेजिटेटिव फेज में होंगे, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों सेम दिखेगी, लेकिन फ्लोरिंग का टाइम ही अलग अलग है, वो डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज है, ऐसी जाते हैं सिबलिंग कहते हैं। तो दो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक स्पीसीज है, क्योंकि टैक्सोनॉमिक स्पीसीज वही है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, जो अंतर प्रजनन कर सके और नई जननशील संतान पैदा कर सके। यस मेरे बेटा, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, कॉमन नेम जीनस फैमिली ऑर्डर। तो यहाँ देखिएगा, मैन होमो और सैम्पियन जाति है, फैमिली है होमोनिडी, ये वहीं से, ऑर्डर प्राइमेटा है, ठीक है। हाउसफ्लाई मस्का म्यूसिडी, और यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है डिप्टेरा आ जाएगा, ठीक है। मैंगो मेंजिफेरा एनाग्डेसी, ऑर्डर आपका आ जाएगा वीट ट्रिटिकम, और फैमिली पोयल्स, पोपोइसी होती है, फिर पोयल्स ऑर्डर आपका होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है थर्ड, होमोनिडी हो गया, डिप्टेरा हो गया, सेपनेडल्स हो गया, पोएसी हो गया, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, मैनी आर्की बैक्टीरिया हैव स्पेशल स्ट्रक्चरल केमिकल एंड मेटाबॉलिक एडेप्टेशन दैट इनेबल देम टू ग्रो इन एक्सट्रीम हैबिटेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रेफरेंस ऑफ द एडेप्टेशन। देखिएगा, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन, वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री, एसिडिक पीएच, हॉट सल्फर स्प्रिंग, देयर पीएच विल बी 2। यस, और आप समझ सकते हैं हेलोफी, हाइपर सेलाइन लेगूंस और मिथेनोजन्स, मार्स रीजन ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन, स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सेल एनवलॉप। और सेल एनवलॉप में दो लेयर है, मेनली सेल वॉल जो पेप्टोग्लाइकन की नहीं है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टाइड की है, और मेम्ब्रेन में उनमें लिपिड ब्रांच्ड है। तो देखिएगा, यहाँ पर मोनोलेयर सेल मेम्ब्रेन गलत बात, स्यूडो म्यूरिन सेल वॉल ये सही है, स्यूडो म्यूरिन मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, म्यूरिन तो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, बट स्यूडो म्यूरिन है यहाँ पर, ब्रांच एंड लिपिड इन मेम्ब्रेन ये भी सही है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो फर्स्ट होगा बी सी डी, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को आपको चुनना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, गलत बात, देखिए बेटा यही गलत हो गया। स्पोरोजोन प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है, स्पोरोजोन जिसमें टोटली एंडोपैरासाइट प्रोटोजोन होते हैं, और जो एंडोपैरासाइट है तो आप समझ सकते हो कि उनको कोई लोकोमोटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है, और उनको वो अपने होस्ट से बिल्कुल डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप जानते हैं कि स्पोरोजोन में ना सीवी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होती, और कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, ये बात होगी जहाँ प्लाज्मोडियम आता है, तो यही रॉन्ग हो गया। बाकी देखो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ये सही है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियो, ये भी सही है। सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई और प्लांटी, हाँ काउकोर प्लांट में बिना एक्सेप्शन दोनों में सेल वॉल, हाँ प्लांट में सेलोज की है, यहाँ काइटिन की, बट सेल वॉल दोनों में है, ये करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ इन द ओशियन। पहले बता चुका हूँ ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर क्राइसोफाइट है, डायटम है, सीधा क्वेश्चन है, कई बार आपका आ चुका है। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट वन इज, कि उपापचे इस अर्थ पे सभी लिविंग का करेक्टर है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होता है, बैक्टीरिया होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर ये नहीं है भाई, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया आफ्टर डेथ फॉर्म होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 4।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है, माइसिलियम ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसिलियम भी सेप्टेट होता है, यूनिन्यूक्लेट होता है, जस्ट लाइक एस्को। यस बेटू, तो अपन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेप्टेट और ब्रांच आपका होता है सेप्टेड और ब्रांच्ड, है ना। नेक्स्ट अपन देते हैं क्वेश्चन नंबर 113, विच पेयर ऑफ कैरेक्टर वाज यूज्ड बाय आरएच व्हिटेकर फॉर क्लासिफिकेशन। आरएच व्हिटेकर के द्वारा आप समझ सकते हैं कि वर्गीकरण के लिए कौन से लक्षणों का उपयोग किया गया था। तो ध्यान से सुनना, सेल स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, यहाँ रेड पिगमेंट नहीं होगा, ये गलत हो गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये भी नहीं है। रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये करेक्ट है। रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे बेस्ट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सही है, लेकिन टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये बीजाणुओं का कोई लेना देना ही नहीं है। जातिवर्तीय संबंध हो सकता है। देखो, फाइव किंगडम के फाइव क्राइटेरिया थे, टाइप ऑफ सेल प्रोकैरियोट मोनेरा, रिमेनिंग फोर यूकैरियोट। थैलस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, रिमेनिंग थ्री मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी फंजाई एनिमेलिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ एनिमेलिया मल्टीसेल हेटरोट्रॉफ। इंजेशन अंतर्ग्रहण, पहले खाएंगे फिर पचाएंगे, और फंजाई पहले पचाएंगे, फर्स्टली डाइजेस्ट देन एब्जॉर्ब। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे एंजाइम रिलीज करके डेड ऑर्गेनिक मैटर में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल ऑर्गेनिक में चेंज करेंगे, एब्जॉर्टिव न्यूट्रिशन करेंगे फंजाई। और फिर आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो यहाँ बेस्ट जो आपका बैठता है, ओनली थर्ड आंसर आपका बैठता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 104, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, निम्न खतरों पर विचार कीजिए। मोस्ट ऑफ द फंजाई एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। अधिकांश कवक मर्त पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, मर्तोपजीवी कहलाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। अर्थ के ऊपर कोई भी प्लांट का पार्ट डेड हो जाए, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट या डेड एनिमल, तो उसको अपन कहते हैं डेट्रिटस अपरद, या डेड एनिमल डेट्रिटस हो गया। तो इसमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है सेलुलोज प्रोटीन, जो इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल एगुलेंसिल है। ये बैक्टीरिया या फंजाई क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करेंगे, फंजाई सेप्रोट्रॉफ्स एंजाइम रिलीज करेंगे, तो इसको सिंपल ऑर्गेनिक में ग्लूकोज एमिनो एसिड में चेंज करेंगे, और ग्लूकोज एमिनो एसिड सोल्यूबल है, घुलनशील है, और ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। फिर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, ये बैक्टीरिया फंजाई एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, और मोस्ट ऑफ फंजाई सेप्रोट्रॉफ होते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया भी सेप्रोट्रॉफ होते हैं, ये करेक्ट आंसर हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय कोनिडिया और जूस्पोर जनरली, ये भी करेक्ट है। जूस्पोर ओमाइसिटीज में, एस्को में। सम मेंबर प्रेजेंट इन रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा, ये भी करेक्ट है। कुछ सदस्य उच्च पादपों के जड़ों में माइकोराइजा के रूप में होते हैं। सम आर कीमोऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल बिहेवियर, ये गलत है, ये बैक्टीरिया का करेक्टर है ना। कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, फंजाई तो 100% ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफ्स, अपन पहले ही क्लियर कर चुके हैं। सम मेंबर आर रिलेटेड विद एंटोफिक्सिंग इन नॉन लेग्यूम रूट्स, कुछ सदस्य नॉन लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में आप जानते हैं, तो सम मेंबर आर रिलेटेड विद एंटोफिक्सिंग। एंटोफिक्सिंग करेक्टर ओनली प्रोकैरियोट का है, यूकैरियोट कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट। यस, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट आंसर में हाउ मेनी आर रिलेटेड विद फंजाई, फंजाई से कितने रिलेटेड है। यस, तो यहां फंजाई से रिलेटेड ए बी, क्लियर, और सी, तीन हो गए ना, और दो रिलेटेड नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, व्हाइट स्पॉट्स इन ऑन मस्टर्ड लीव्स, तो सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे। तो आप जानते हैं कि एल्बुगो कैंडिडा, और एल्बुगो कैंडिडा आप समझ सकते हैं कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्लियर। तो वो क्या है, एक सिनोसाइटिक पैरासिटिक फंजाई, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस से रिलेटेड है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट 116, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, बिल्कुल करेक्ट है, ईस्ट फर्मेंटेशन फंजाई है। एल्कोहलिक और बियर इंडस्ट्री, या ब्रेड इंडस्ट्री का फाउंडर है, पहले ही बता चुका हूं मैं। फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी रेनी सीजन है, सबसे बेस्ट ग्रोइंग सीजन है, क्योंकि अभी टेम्परेचर भी हाई और ह्यूमिडिटी भी है, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सेलवाल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, ये भी करेक्ट है। फंजाई सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एज माइक्रो, ये गलत हो गया। देखो, यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी, ये लाइकेन होता और ये माइकोराइजा होता, ठीक है ना। तो यहाँ जस्ट उल्टा कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया।
फोर स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है, आपसे पूछा है, असत्य खतन, क्लियर। नेक्स्ट 117 द इम्परफेक्टिव फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, तो ये आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं, फंजाई इम्परफेक्टिव, कई बार पहले क्लियर कर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 118, देखिएगा 118 से 119 दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, जू स्पोर, एसकस, बेसिडियोकार्प, डोलीफोरसेप्टम, फूड सीटा कैप्सूल, इन चीज़ों से आपको रिलेट करना है। तो देखिएगा कि यहाँ विच ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिज फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज बेटा एल्गल फंजाई है, सीनोसाइटिक वहाँ पर होता है, तो फाइकोमाइसिटीज में दो मेन सब क्लास है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ओमाइसिटीज में जू स्पोर बनते हैं, ये फाइको से रिलेट हो गया, क्लियर। इसके बाद एस्कस नहीं हुआ, बेसिडियोकार्प नहीं हुआ, डोलीफोरसेप्टम नहीं हुआ, सीनोसाइटिक माइसिलियम हो गया, ठीक है। फिर प्रोटोनिमा नहीं हुआ, डाइक्रेटिक माइसिलियम नहीं हुआ, एस्कोकार्प लीवर लाइक ये नहीं हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि एफ और ए, ए एंड एफ आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, विच ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो से रिलेटेड बता दीजिए आप। तो बेसिडियो से रिलेटेड आपके क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बेसिडियोकार्प सी, डोलीफोरसेप्टम डी, और फिर आप समझ सकते हैं डाइकेरियोटिक ये आपका हो जाएगा, तो सी डी एच, सी डी एच आपका हो जाएगा सेकंड आंसर, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेक्सुअल स्पोर विद रेफरेंस टू फंजाई, देखिए बेटा फंजाई के अंदर एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं, जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडिया, और फंजाई के अंदर सेक्सुअल स्पोर ओमाइसिटीज में ओस्पोर, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर, और एस्को में एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये आपके सेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा ओस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, आंसर विल बी सेकेंड। तो बिल्कुल ये आपने पूरा जो डीसीएम का पेपर सॉल्यूशन किया, ये आपका डायवर्सिटी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड का से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे। अच्छे से आपने थ्योरी की एक एक लाइन को आपको एनसेट से पढ़ना है, क्यूआर कोड क्वेश्चन करने हैं, एनसेट एग्जाम्पल को आपको सोल्व करना है, मस्त रहना है, अच्छे रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। संडे के पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो मेजर आपका पेपर है। थैंक यू वेरी मच।